हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप कि आप स्टडीज़ वगैरह बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। तो आज मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवाने वाला हूँ केमिस्ट्री का फुल सिलेबस, जितने भी आपके चैप्टर्स हैं उन सभी का फुल सिलेबस का रिवीजन, वो भी एक ही वीडियो के अंदर इसमें आपको मिल जाएगा। तो मेक श्योर कि आप इसे पूरा ज़रूर से देखिए, आपके जितने भी चैप्टर्स हैं वो सभी इसमें कवर हो जाएंगे। और उसी के साथ में मेरे को आप लोगों से एक शिकायत रहती है कि यार आप लोग लाइक नहीं करते हो, अगर लाइक कर देते हो तो सब्सक्राइब नहीं करते हो, सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको और भी ऐसे सभी सब्जेक्ट्स की वीडियोस मिलेंगी। तो उसके लिए सब्सक्राइब करना बनता है और लाइक जरूर से करना। देखो, सबसे पहला जो चैप्टर स्टार्ट करते हैं वो करते हैं केमिकल रिएक्शन। अब देखो, केमिकल रिएक्शन क्या होती है? केमिकल रिएक्शन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिससे कि एक केमिकल सब्सटेंस जो है वो अदर केमिकल सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाए, उसी को यहां पर केमिकल रिएक्शन कहा जाता है। और इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स याद रखनी है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स जरूर से एग्जाम में याद रखना, क्योंकि एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि मतलब व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, तो ऐसा क्वेश्चन ना सकता है। तो इसमें सबसे पहली तो ये होता है कि कभी भी अगर केमिकल रिएक्शन होगी तो उसका चेंज इन स्टेट होगा। अगर सॉलिड है तो वो लिक्विड में हो जाएगा, फिर लिक्विड है तो गैस में हो जाएगा, और अगर गैस है तो लिक्विड में हो जाए। अगर ऐसा होता है तो वहां पर हम बोल सकते हैं कि यहां पर केमिकल रिएक्शन हुई है। अब ऐसा कंपलसरी नहीं है कि ऐसा होगा ही होगा, कई बार ऐसा नहीं होता। क्या होता है कि गैस और गैस प्लस गैस की रिएक्शन होती है तो एक न्यू गैस फॉर्म हो जाती है, ऐसा हो सकता है, लेकिन यहां पर चेंज इन स्टेट भी होता है। देन फिर इसके बाद में सेकंड है कि यहां पर चेंज इन कलर, या तो अगर आप उसमें कलर फॉर्मेशन का अगर नया कलर बनता है तो आप उसे ऑब्जर्व कर सकते हो। फिर इसके बाद में सी वाला है कि यहां पर इवोल्यूशन ऑफ गैस, अगर किसी भी तरीके की गैस निकल रही है तो वहां पर भी केमिकल रिएक्शन हुई है। और लास्ट वाला है कि चेंज इन टेंपरेचर, या तो वहां पर आपको हीट देनी होती है या फिर उससे ऑटोमेटिकली हीट बाहर निकलती है। तो ये चार कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं इसके। देन फिर इसके बाद में नेक्स्ट जो आती है वो आती है केमिकल इक्वेशन। अब केमिकल इक्वेशन क्या होते हैं, जो अभी हमारे कन्वर्जन हुआ था कि एक सब्सटेंस से अनदर सब्सटेंस के अंदर, उसी को ही यहाँ पर हम केमिकल रिएक्शन की फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पर एक होती है वर्ल्ड इक्वेशन। वर्ल्ड इक्वेशन के अंदर क्या होता है कि आपको पूरा नाम लिखना होता है, जैसे कि मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम का सिंबल तो Mg होता है, लेकिन आपको इसका क्या लिखना होगा, पूरा नाम लिखना होगा, मैग्नीशियम प्लस ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये जो होता है ये होगी वर्ल्ड इक्वेशन। और इसमें ये जो इधर वाले एलिमेंट्स है, जो कि लेफ्ट वाले लेफ्ट हैंड साइड जो एलिमेंट्स है, इनको रिएक्टेंट कहा जाता है, इनको कि हम खुद लेते हैं और जब हम इनको मिक्स करते हैं तो हमें एक प्रोडक्ट मिलता है, जो कि आप लोगों को पता है कि कुछ भी मिल सकता है। जैसे कि आप लोग क्या कर रहे हो कि रिएक्टेंट क्या हो आप, ठीक है, ये मैग्नीशियम क्या हो आप, और ये ऑक्सीजन क्या है वो है स्टडी। तो प्रोडक्ट क्या होगा, वो होगा आप लोगों का रिजल्ट, ठीक है, ये समझ रहे हो ना मेरी बात। इस तरीके से इसको याद रखना है कि रिएक्टेंट हमारे पास में होता है, प्रोडक्ट नहीं होता, प्रोडक्ट रिएक्शन के बाद में बनता है। और फिर आप इसको केमिकल इक्वेशन की फॉर्म में लिख सकते हो कि मैग्नीशियम का जो रिप्रेजेंट है वो Mg से किया जाता है, ऑक्सीजन का जो रिप्रेजेंटेशन है वो O2 से करा जाता है, और जो मैग्नीशियम ऑक्साइड का रिप्रेजेंटेशन है वो किया जाता है MgO से। देन फिर इसके बाद में हम बात करते हैं कि अभी ये जो रिएक्शन हमने लिखी है, ये कई बार क्या होता है कि बैलेंस नहीं होती, जैसे कि ये वाली जो रिएक्शन है ये भी बैलेंस्ड नहीं है। तो इसको बैलेंसिंग करना आप किस तरीके से होता है, तो सबसे पहले तो ये याद रखना है कि यहाँ पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करते हैं। इसका मतलब ये होता है कि मास ऑफ रिएक्टेंट, मैं एक बार इसको थोड़ा शॉर्ट में लिख देता हूँ, मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट रहता है। मतलब कि जो मास है वो कभी भी क्रिएट नहीं करा जाता, ना वो डिस्ट्रॉय किया जाएगा। तो ये आपको अपने दिमाग में रखना है कि मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड अकॉर्डिंग टू दिस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। देन फिर इसके बाद में इसका जो स्टेप है, जिस तरीके से आपको इसको इक्वेशन को बैलेंस करना है, वो सबसे पहले स्टेप तो ये है कि आपको सबसे पहले तो ये करना है कि एटम है वो देखना है कि यार दोनों तरफ सेम नंबर ऑफ एटम है ना। जैसे कि अगर ऑक्सीजन की इधर चार एटम है रिएक्टेंट में, तो उसके प्रोडक्ट में जो है, प्रोडक्ट में भी उसके चार ही एटम रहेंगे, ये बात आपको याद रखनी है। और फिर इसके बाद में यहाँ पर मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम विल बी बैलेंस्ड फर्स्ट, तो आपको ये बात याद रखनी है। एक रामबाण तरीका ये है कि आपके पास में रिएक्शन के अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स होंगे, बहुत सारे एटम्स होंगे, तो उसके अंदर एक एटम को ढूंढना कि इसके पास में सबसे ज़्यादा एटम है। जैसे कि एक तरफ अगर मान लो कि हमारे पास में ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के सबसे ज़्यादा एटम है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे, फिर उसके बाद में हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे, फिर लास्ट में धीरे धीरे करके हम नीचे जाते जाएंगे, जिसके भी कम होते जाएंगे लास्ट में उसे बैलेंस करेंगे। इससे काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी आपको। और फिर लास्ट वाला है कि फिजिकल स्टेट जो है एलिमेंट्स का वो रिप्रेजेंट करा जाता है, जैसे कि अगर लिक्विड है तो उसको एल से
लिखा जाएगा, गैस है तो उसको जी से लिखा जाएगा, सॉलिड है तो उसको एस से रिप्रेजेंट किया जाएगा। अब जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर है कि यहाँ पर एफ ई प्लस एच टू गिवस एफ ई थ्री ओ फोर प्लस ऑफ हाइड्रोजन गैस। तो अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, आपको सबसे पहले निकालना है कि सबसे ज्यादा एटम किसके हैं, टोटल निकालना है। सबसे पहले हम गिनेंगे एफ ई का कितना है, एक यहाँ पर है, तीन यहाँ पर है, तो एफ ई की अगर बात करें तो एफ ई के यहाँ पर हो गए चार एटम। अभी उसके बाद में बात करते हैं ऑक्सीजन के, तो ऑक्सीजन के रिएक्टेंट साइड के अंदर एक है और प्रोडक्ट साइड के अंदर चार हैं, तो यहाँ पर हो गए इसके पांच एटम। तो और हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन के यहाँ पर दो हैं और इधर दो हैं, तो यहाँ पर ये हैं चार। तो मैक्सिमम किसके हैं, वो हैं ऑक्सीजन के। तो सबसे फर्स्ट काम ये होगा कि हमें ऑक्सीजन को क्या करना होगा, बैलेंस करना होगा दोनों साइड। तो आप बैलेंस किस तरीके से करोगे, आपको देखना है कि रिएक्टेंट के अंदर कितने नंबर ऑफ ऑक्सीजन है। तो यहाँ पर आप देखो कि रिएक्टेंट में एक ऑक्सीजन है और प्रोडक्ट में यहाँ पर गिवन है चार ऑक्सीजन, जो कि हमने लिख दिया। देन फिर इसके बाद आपको क्या करना है, बैलेंस करना है। तो यहाँ पर आपको प्रोडक्ट को और रिएक्टेंट को बराबर करना है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पर वन है तो आपको क्या करना है, इसको इंटू फोर कर देना, मतलब फोर से मल्टीप्लाई कर दोगे तो इक्वल हो जाएगा। यहाँ पर एट नहीं, हाँ यहाँ पर ये गलती होगी आई थिंक, कि मैं एक बार इसको थोड़ा सही कर देता हूँ। ये यहाँ पर ये नहीं आएगा, इसमें टू आएगा, अरे सॉरी एकदम से सही था, वन इंटू फोर और फिर यहाँ पर ये आ जाएगा यहाँ पर फोर। ठीक है, ये फोर एकदम से करेक्ट है, मैंने लास्ट में गलत लिख दिया था, मेरे को लगा कि यहाँ पर टू आएगा, तो यहाँ पर ये हो गया और दोनों के दोनों सेम हो जाएंगे। जब आप फोर से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट के बराबर हो जाएगा, तो यहां पर मिल जाएगा एफ इज इक्वल टू फोर। फोर से मल्टीप्लाई करेंगे जब तो यहां पर फोर एटम होंगे, तो यहां पर हमने ये करा, सिंपल सी एक इक्वेशन बन गई। अभी यहां पर क्या हुआ, बस ऑक्सीजन बैलेंस हुई है, आप ये भी देख सकते हो कि यहां पर चार हैं और इधर भी चार हो गए। देन फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो आते हैं हाइड्रोजन। अब हमें बैलेंस करना होगा हाइड्रोजन को, तो सबसे पहले कितनी हाइड्रोजन एटम है, तो हाइड्रोजन एटम जब आप देखोगे तो हमने जब ऑक्सीजन को बैलेंस करा तो उसी के साथ में हमने यहाँ पर फोर को भी मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपको बोलना पड़ेगा कि यहाँ पर दो हाइड्रोजन है लेकिन ऐसे चार मॉलिक्यूल हैं, तो टोटल एटम हो गए आठ। लेकिन अगर प्रोडक्ट में बात करें तो प्रोडक्ट के अंदर तो बस दो ही हाइड्रोजन है और हमें चाहिए यहाँ पर आठ, तो हम क्या करेंगे कि आठ बनाने के लिए टू इंटू फोर कर देंगे, तो यहाँ पर फोर हो गया इसका कोफिशियंट। तो यहाँ पर अब इस इक्वेशन के अंदर क्या होगा कि ऑक्सीजन भी बैलेंस्ड है और हाइड्रोजन भी बैलेंस्ड है। अब बस एक इम्बैलेंस्ड है वो है एफ ई, तो अब एफ ई को बैलेंस कर दे, तो एफ ई को देखते हैं कि वो रिएक्टेंट की तरफ कितनी है, रिएक्टेंट की तरफ एक है, प्रोडक्ट में कितनी है, वो है तीन एफ ई है। तो आप क्या करोगे कि भैया आप तो एक बार थ्री से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पर ये थ्री एफ ई हो जाएंगे। तो हमने क्या करा, तीसरे से इसको मल्टीप्लाई करा, फिर इसका फोर ऑफ एच टू और इधर इस तरीके से हमें इक्वेशन मिल गई। अब इस इक्वेशन के अंदर क्या है, एफ ई भी बैलेंस्ड है, ऑक्सीजन भी बैलेंस्ड है, हाइड्रोजन भी बैलेंस्ड है, तो अब क्या इसके अंदर और कुछ आ सकता है, और तो कोई एलिमेंट ही नहीं है, सब कुछ बैलेंस हो गया। तो ये जो इक्वेशन है ये हो गई एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, इस तरीके से करना। और आप इसको चेक भी कर सकते हो कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन या फिर नंबर ऑफ ऑक्सीजन देखते हैं सबसे पहले रिएक्टेंट में इस तरफ, तो इस तरफ टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन आइटम हो जाएंगे फोर, यहां पर कोफिशिएंट है और यहां पर चार ऑक्सीजन आइटम हो गए। अब इधर कितने हैं, इधर कितने, चार ही ऑक्सीजन आइटम है, तो मतलब सब कुछ बैलेंस्ड है। तो आप इसको एक बार ऐसे चेक कर सकते हो। देन फिर इसके बाद नेक्स्ट जो आती है वो आती है एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब देखो इसके नाम से समझ में आ रहा है, एंडो मतलब आप ये समझो कि जिसके अंदर एनर्जी देनी पड़े, एनर्जी इज टेकन फ्रॉम एनवायरनमेंट। जैसे कि हम अगर कोई भी रिएक्शन करवाते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए सी ए सी ओ थ्री की जो रिएक्शन है, इसको जब हमें करवाना होता है तो हमें इसमें हीट इसको खुद को देनी होती है, फिर ये आगे रिएक्शन परफॉर्म होती है। तो यहाँ पे ये जो रिएक्शन होती है ये होती है एंडोथर्मिक रिएक्शन, जिसके अंदर कि हमें एक तरीके से एनर्जी देनी पड़ती है। जितनी भी टूटने वाली रिएक्शन होती है जो कि डिकम्पोज हो जाती है, उन रिएक्शन को यहाँ पर क्या कहा जाता है, डिकम्पोजिशन, मतलब एंडोथर्मिक रिएक्शन, क्योंकि इसके अंदर हमें एनर्जी देनी होती है। अब जैसे कि एग्जांपल के तौर पर यहाँ पर डाइजेशन ऑफ फूड हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, ये सब क्या है, ये सब है एंडोथर्मिक रिएक्शन। और अब हम बात करते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन की, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो होती हैं जिसके अंदर की एनर्जी इज गिवन टू एनवायरनमेंट इन द फॉर्म ऑफ हीट। जब भी कोई एक रिएक्शन होती है तो उसमें से अगर हीट रिलीज हो रही है बाहर, जैसे कि आपने देखा होगा कई बार रिएक्शन होती है, तो जो बीकर है अगर वो गर्म हो रहा है तो वो जो रिएक्शन होती है वो होती है यहाँ पर एक्सोथर्मिक रिएक्शन, और इसके अंदर क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है। अब जैसे कि यहाँ पर गिवन है कैल्शियम कार्बोनेट्स का एग्जांपल है कि इसको हीट करते हैं तो यहाँ पर CaCO2 मिल जाता है, तो आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताने की वाली कौन सी रिएक्शन है। वैसे मैंने बता दिया है अभी, और अभी आपको आंसर इसका बताना है। देन फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है हमारे पास में वो आती है टाइप्स ऑफ रिएक्शन। ये वाला जो पार्ट है इसको एक बार ध्यान से जरूर देखना, क्योंकि इसे टू या फिर फाइव मार्क्स के अंदर क्वेश्चन आना कन्फर्म ही कन्फर्म है।
अब जैसे कि यहाँ पर अगर बात करें कॉम्बिनेशन रिएक्शन की, तो क्या होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन? अब जैसे कि याद रखो, कॉम्बिनेशन मतलब कॉम्बी, मतलब आपको कॉम्बिनेशन से याद रखना है कि इसके अंदर क्या होता है कि कंबाइन हो जाएंगी। कंबाइन होने का मतलब ये होता है कि कोई भी एक प्रोडक्ट है उसके साथ में दूसरा प्रोडक्ट मिलकर के कोई एक तीसरा प्रोडक्ट बना दे, इस रिएक्शन को कहा जाता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो यहाँ पर इसकी डेफिनेशन ये है कि एडिशन ऑफ टू एलिमेंट्स टू फॉर्म अ न्यू कंपाउंड। तो यहाँ पर हो जाता है कि कार्बन प्लस ऑफ ऑक्सीजन गिव्स यहाँ पर CO2। तो ये हो गया इसका एकदम से करेक्ट आंसर, जो कि होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। फिर सेकंड होती है डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन इसकी उल्टी होती है। इसमें क्या होता है कि एक कंपाउंड होता है, जैसे कि डिकम्पोज ब्रेक डाउन ऑफ अ रिएक्टेंट टू और मोर कंपाउंड। मतलब कि कोई एक एलिमेंट होगा जैसे कि CaCO3, इसको हीट कर करके जब हम किसी दो एलिमेंट में ब्रेक कर रहे हैं तो ये डिकम्पोजिशन हो जाता है। तो आपको तो बस एक याद रखना है, कॉम्बिनेशन फिर इसके बाद में डिकम्पोजिशन, मतलब इसका उल्टा रिएक्शन हो जाएगी। फिर इसके बाद यहाँ पर आती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट का मतलब ये समझो कि क्या होता है कि काफ़ी सारे एलिमेंट होते हैं आपके पास में, बहुत सारे एलिमेंट है, जैसे कि Fe है, गोल्ड है, Cu है, बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं। तो अब इनमें से क्या होता है कि इन सभी की अलग अलग पावर होती है। जैसे कि आपकी क्लास में भी होगा, कोई एक बहुत ज़्यादा हट्टा कट्टा स्ट्रांग होगा और कोई एक पतला भी होगा, या फिर कोई एक काफ़ी ज़्यादा हेल्दी होगा। तो ये सब जो है वो है उनकी बॉडी पावर। तो इसी तरीके से इन एलिमेंट्स की भी पावर होती है। तो क्या होता है कि जो स्ट्रांगर होता है उसका मन करता है वो वहीं पर ही बैठता है, और बेचारा उसकी जगह पर अगर कोई वीक सा बच्चा बैठ जाएगा तो वो तो उसको उठा के फेंकेगा और इतना मारेगा, मतलब जिसकी कोई मतलब क्या बताऊं आपको, बहुत बुरा मारेगा उसे, और उस जगह पर वो बैठेगा ही बैठेगा। तो जैसे कि इसी में होता है, यहां पर एक एग्जांपल बहुत ही अच्छे से आपको समझाने के लिए बता रहा हूं कि यहां पर CuSO4 है, ठीक है। अब SO4 सल्फेट, अब आप लोग जो समझ रहे हैं वो समझ लो कि ये सल्फेट वही है जो आप समझ रहे हैं, और ये है Cu के साथ में। लेकिन अब Fe का मन आ गया कि मैं रहूंगा सल्फेट के साथ में, तो अब Cu तो वीक है। अब जैसे ही ये इससे लड़ने के लिए जाते हैं, ये Fe इसको उठा करके बाहर फेंक देता है। फिर इसके बाद में क्या होता है कि FeSO4 इसके साथ में रहता है और Cu सॉलिड लास्ट में रेजिडुअल में बच जाता है। तो ये जो रिएक्शन हुई जिसमें कि Cu था इसको हटा दिया गया, इसके जगह पर Fe आ गया, तो इस रिएक्शन को कहा जाता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और फिर इसके बाद में डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट में कुछ नहीं होगा, डबल डिस्प्लेसमेंट में आपस में समझदारी हो जाएगी। जैसे कि यहां पर सल्फेट है और क्लोरीन है, तो यहां पर सोडियम बोलता है कि यार मैं सल्फेट से बोर हो गया तो मैं तेरी क्लोरीन के पास में चला जाता हूं, और तू क्लोरीन से बोर हो गया तो मैं तेरी सल्फेट के पास में चला जाता हूं, ये होता है। तो यहां पर क्या होता है कि BaSO4 बन जाता है और यहां पर NaCl फॉर्म हो जाता है, जैसे कि सोडियम क्लोराइड के पास में चला गया और बेरियम सल्फेट के पास में आ गया। इसमें क्या हुआ कि जो बेरियम है, बेरियम था थोड़ा वीक, तो इसको इसने डिस्प्लेस कर दिया। फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आती है वो आती है ऑक्सीडेशन। अब देखो यार, ऑक्सीडेशन को एक वर्ड से याद रखो, वो ये है कि ऑयल। मतलब ऑयल का मतलब क्या हुआ कि ऑक्सीडेशन मींस लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जब भी ऑक्सीडेशन होगा तो इलेक्ट्रॉन्स हमेशा लूज होंगे। इसके अंदर आप इसको ये भी याद रख सकते हो, ऑक्सीडेशन से मतलब ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का मतलब ये होगा कि इसके अंदर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होगा और रिमूवल ऑफ यहाँ पर हाइड्रोजन होगा। अगर समझ में नहीं आया तो इस एग्जांपल से समझो कि यहाँ पर Cu है, उसको ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करवाते हैं, यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड बना, जो कि हो गया CuO। अब देखो यहाँ पर जो कॉपर है, कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट है यहाँ पे 0, लेकिन रिएक्शन के बाद में इसका स्टेट हो गया +2। तो यहाँ पर क्या हुआ कि इसने अपने दो इलेक्ट्रॉन्स को छोड़ दिया, मतलब इसके इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए, इससे लॉस हो गया। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होगा वही ऑक्सीडेशन होगा। अगर आपको अपने एग्जाम के अंदर अच्छा परफॉर्म करना है तो आपको इलेक्ट्रॉन की जगह पर अपने फोन को छोड़ना होगा। जिसने लॉस ऑफ मोबाइल फोन कर दिया, उसने गेन ऑफ क्या कर लिया, गेन ऑफ गुड मार्क्स कर लिया, ठीक है। फिर इसके बाद में नेक्स्ट आता है रिडक्शन। अब रिडक्शन क्या होता है, रिडक्शन की डेफिनेशन ये होती है कि यहां पर आप गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कर रहे हो। क्या कर रहे हो, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कर रहे हो। रिडक्शन इन योर मार्क्स मींस दैट यू आर यूजिंग मोर एंड मोर फोन, मतलब यू आर गेनिंग मोर एंड मोर एंगेज्ड इन सोशल मीडिया, यूट्यूब एंड एक्सेट्रा, ठीक है। और इसमें एडिशन ऑफ ऑक्सीजन नहीं होता, इसमें गलती कर दी है। फिर से देखो, सॉरी इसके लिए, यहां पर ऑक्सीजन नहीं आएगा, यहां पर हाइड्रोजन आएगा, ठीक है। ये कुछ कुछ मिस्टेक्स हैं जो कि हो जाती है जब मैं लिखता हूं, तो मैं आप लोगों के लिए बहुत ही गहन तरीके से सोचता हूं कि यार उनको कैसे समझ में आएगा। तो वहां पर ये गलती हो गई, यहां पर इसको H2 कर लेना, मैं इसको करेक्ट ही कर देता हूं ताकि आप लोग जब इसको देखोगे तो आपको ये मिस्टेक दिखे, ठीक है। तो यहां पर हो जाएगा एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। इसी तरीके से क्या होता है कि अब आगे रिएक्शन होती है कि जो क्यूप्रिक ऑक्साइड है, ये CuO हाइड्रोजन के साथ में रिएक्ट करके यहां पर देती है Cu और उसके साथ में वाटर। तो यहां पर जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो इसका +2, और यहां पर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया 0। तो जैसे कि आपके क्लास टेस्ट में पहले अगर 10 में से 2 नंबर आ
थे, आपने मोबाइल फ़ोन यूज़ में लेने लग गए, तो आपके 10 में से 0 नंबर आने लग गए, ठीक है, ये होता है रिडक्शन का मतलब। फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट चैप्टर आता है वो आता है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। तो अब यहाँ पर तीन चीज़ें आपको याद रखनी होंगी। सबसे पहले तो एसिड क्या होते हैं, उनका लिटमस से क्या कनेक्शन रहता है, और फिर उसके बाद में उनकी पीएच वैल्यू कहाँ से लेकर के कहाँ तक होती है, और इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, इसके अलावा इस चैप्टर से कुछ भी नहीं आएगा। तो अब हम सबसे पहले बात करते हैं एसिड की। तो देखो एसिड क्या होते हैं, एसिड आपको याद रखना है कि जिनका कि सोर इन टेस्ट होता है, मतलब कि खट्टे खट्टे लगना। आप खट्टा क्या लगता है, वो लगता है लेमन। अगर किसी को लगता है कि मेरे को लेमन मीठा लग रहा है तो बेटा कोई समस्या हो गई है आपको। तो अगर आपको लेमन खट्टा लग रहा है तो वहाँ मतलब उसके अंदर है एक एसिड। तो इनका टेस्ट जो होता है वो होता है सोर इन टेस्ट, होती है खट्टे होते हैं टेस्ट में। फिर सेकेंड पॉइंट ये होता है कि ये क्या करते हैं कि टर्न ब्लू लिटमस टू अ रेड लिटमस। जैसे कि अगर ब्लू लिटमस अगर आप में डिप करोगे तो ये आपको ब्लू में, रेड को ब्लू में कन्वर्ट कर देगा, मतलब ब्लू को रेड में कन्वर्ट कर देगा। और फिर इसके बाद में यहां पर क्या होता है कि गिव्स H+ आयंस इन अ एक्वस सॉल्यूशन। अगर आप इसका एक एक्वस सॉल्यूशन बनाओगे तो वहां पर आपको H+ आयंस मिलेंगे। और फिर लास्ट वाला है कि एक्वस सॉल्यूशन जो है वो इसका इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। अब देखो ये जो चार पॉइंट है ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। अब ये क्यों आ सकता है, क्योंकि आपसे डिफरेंशिएट करने के लिए बोल दिया जाएगा कि डिफरेंशिएट करो भैया एसिड और बेसिस के अंदर। तो आपको ये चार पॉइंट याद होने चाहिए जिससे कि आप एकदम से आसानी से टीचर को बता दोगे और टीचर बड़ा खुश हो जाएगा कि हाँ यार बहुत ही अच्छा बच्चा है। और यहां पर इनकी जो पीएच रहती है एसिड की वो रहती है 0 से लेकर के 7 तक, जिसकी जितनी कम पीएच रहती है जैसे कि 0 है और 1 है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। क्या होते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। तो आपको याद रखना है कि यार मतलब स्ट्रॉन्ग बनने के लिए क्या करना होगा, पीएच इनको कम रखनी होगी एसिड को। और जैसे कि अगर HCl है हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, अब ये क्या होता है एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। तो ये किस तरीके से ब्रेक डाउन होता है, वो होता है यहाँ पर H+ की फॉर्म में और Cl- की फॉर्म में ये ब्रेक डाउन होता है। देखो ये छोटी छोटी बातें लेकिन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद यहाँ पर आता है बेसिस। अब बेसिस क्या होते हैं, बेसिस वो होते हैं जो कि बिटर इन टेस्ट होते हैं, जो कि क्या काम करते हैं रेड को ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं। आप इसको ये भी याद रख सकते हैं, बेस बी से स्टार्ट हो रहा है तो ये क्या करेगा रेड को ब्लू में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। ये मैंने यहाँ पर लिख रखा है कि बेस का मतलब होता है कि रेड से ब्लू में कन्वर्जन कर देना लिटमस सॉल्यूशन का। और फिर इसके बाद में जो थर्ड पॉइंट आता है वो आता है कि यहाँ पर ये OH- माइनस देते हैं एक्वस सॉल्यूशन में, और एसिड क्या होते थे एसिड H+ देते थे। और फिर इसके बाद में ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते, वहाँ पर एसिड इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। और अगर मान लो कि एक NaOH है तो NaOH का ब्रेकडाउन जो होता है वो होता है Na+ में और OH- माइनस, मतलब सोडियम प्लस आयन में और हाइड्रोक्साइड माइनस आयन में इसका ब्रेकडाउन हो जाता है। और इसकी जो pH रहती है, इनकी जो pH वैल्यू रहती है वो आपको याद रखने की, pH वैल्यू जो रहती है 7 से लेकर के 14 तक वेरी करती है, जिसकी जितनी ज़्यादा pH वैल्यू वो उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस। लेकिन वहाँ पर क्या था कि एसिड के केस के अंदर क्या था, जिसकी जितनी कम वैल्यू जैसे कि अगर 0.1 है तो वो उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। जैसे जैसे पीएच बढ़ेगी वहां पर क्या होगा कि उसका जो कैरेक्टर है एसिड का वो कम होता जाएगा। और यहां पर क्या होता है कि बेस का कैरेक्टर बढ़ता जाता है, मतलब स्ट्रॉन्ग बेस बनते जाते हैं, ठीक है। और फिर इसके बाद में नेक्स्ट जो आता है, अब ये हम बात कर रहे हैं कि पीएच पीएच पीएच, तो पीएच होता क्या है, ये पीएच क्या होता है। देखो ये पीएच एक काफ़ी सारे एसिड हैं, एक मान लो कि बहुत सारे एसिड हैं, एक एसिड, दो एसिड, तीन एसिड, ऐसे करके बहुत सारे एसिड हैं। तो आप इनको कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि यार ये स्ट्रांग है, ये वीक है, ये इससे ज़्यादा स्ट्रांग है। तो इसके लिए एक स्केल को डेवलप करा गया, उसके बेसिस पर बताया जाता है कि हाँ यार अगर इसकी इतनी स्केल रहेगी तो हाँ मतलब ये स्ट्रांग है, अगर इससे कम है तो इसकी मतलब ये वीक हो गया। तो ऐसे ही आप लोगों की क्लास में भी होता है कि यार जो बच्चा 95 प्लस लाएगा वो स्ट्रांग होता है, और जो 90 प्लस लाएगा वो थोड़ा ठीक ठाक है, और जो 60 प्लस लाएगा वो तो एकदम से ही नालायक है। ऐसा नहीं होता, यहाँ पर उल्टा होता है। जो 60 या फिर 30 प्लस लाते हैं ना, वो एकदम से एक्सीलेंट ब्रिलियंट स्टूडेंट होता है मेरी नज़रों में। अब आप बोलोगे भैया आप तो ऐसे बोल रहे हो यार, आप कितने आते होंगे। देखो मेरे इतने कभी आए नहीं, मेरे हमेशा से 95 प्लस रहे थे। लेकिन पर पता है इनके अंदर क्रिएटिविटी खूब ज़्यादा होती है, तो अगर कोई स्टूडेंट के कम आ रहे तो उससे डीमोटिवेट नहीं होने का, ठीक है। हमें बहुत कुछ करना आगे, तो बस एक नंबर ही थे आगे, आप बहुत ही अच्छा कर सकते हो।
हम बात करते हैं पीएच स्केल की। तो यहाँ पर पीएच स्केल वो होता है, ये दिखाता है कि यार मतलब कौन सा कितना ज़्यादा स्ट्रांग है कितना ज़्यादा वीक है। यहाँ पर इसके अंदर एक कन्वर्जन होता है, जैसे कि एक बड़ी सी प्लेट होती है, प्लेट क्या होती है, एक पूरा पूरा ग्राफ होता है जिसके ऊपर लिखा रहता है कि पीएच 1, 2, 3, और जब आप लिटमस में डिप करोगे तो आपको अलग अलग कलर मिलेंगे, तो उस कलर के हिसाब से बता दिया जाता है कि हाँ यार इसकी पीएच इतनी है, इसकी पीएच इतनी है। तो मतलब ये बताता है कि एच प्लस आयन कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, की एक सॉल्यूशन जो है उसके अंदर कितने एच प्लस आयन की कंसेंट्रेशन है, और अदर वर्ड्स के अंदर आप ये भी कह सकते हो कि पावर ऑफ एच प्लस आयंस। ठीक है, ये एग्जाम में नहीं आएगा, एग्जाम में जो आएगा वो ये वाला पॉइंट आने वाला है जो कि काफी ज्यादा शॉर्ट है और स्वीट है। सबसे पहले पॉइंट आता है वो आता है एसिड, जो पीएच ऑफ एसिड कितना होता है। एसिड का जो पीएच रहता है वो रहता है 0 से लेकर 7 तक होता है, और यहाँ पर जो लेस पीएच हैविंग द स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है, ये बात मैंने फिर से बताई है, फिर से बता दिया ताकि याद रहे। और जो न्यूट्रल होते हैं उनका पीएच हमेशा 7 ही रहेगा, 7 जिसका पीएच है मतलब वो क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया। और इसमें आता है हमारा ब्लड भी आता है, और इसके अंदर वाटर भी आता है जो कि पानी आप पीते हो, ये सब क्या होते हैं, इनकी पीएच क्या होती है, वो होती है 7। और फिर इसके अंदर में जिसकी पीएच 7 से लेकर 14 तक होती है वो होती है बेसिस, जिसकी हाई पीएच वैल्यू मॉडरेट द स्ट्रॉन्गर बेस। जैसे जैसे पीएच की वैल्यू बढ़ती जाएगी बेस की स्ट्रांगनेस बढ़ती जाएगी। और फिर इसके बाद में आते हैं यहां पर केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। तो अब देखो केमिकल प्रॉपर्टी क्या है इसके अंदर, इसकी 4 रिएक्शन है कि ये जब एसिड के साथ में रिएक्शन करता है तो क्या होता है, बेस के साथ में करता है तो क्या होता है, मेटल कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, इन सब को याद रखने की जरूरत है। अब इसमें सबसे पहला आता है कि यार एसिड रिएक्ट विद मेटल, तो आपको याद रखना है कि अगर एसिड किसी के भी साथ में रिएक्शन करेगा तो उसके साथ में तो सॉल्ट तो बनेगा। उसको नमक बहुत ही ज़्यादा पसंद है, एसिड को भी पसंद है, बेस को भी पसंद है। अगर एसिड बेस को मिलाओगे तो भी ये नमक देंगे, और एसिड के साथ में मेटल को मिलाओगे तो भी ये नमक देंगे, एसिड के साथ मेटल कार्बोनेट को बनाओगे तो भी ये सॉल्ट ही देने वाले हैं। तो मतलब सॉल्ट तो बनना कन्फर्म है। अगर एग्जाम में नहीं आ रहा है तो ये भी लिख के आ जाना कि एसिड प्लस मेटल इज इक्वल टू सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, हो गए नंबर, आ जाएंगे आराम से। तो यहां पर क्या करना है, जैसे कि एसिड, एसिड हमने ले लिया HCl, और मेटल, मेटल हमने ले लिया जिंक, तो इन दोनों की रिएक्शन करवाई तो हमारे पास में जो सॉल्ट मिलेगा वो मिलेगा ZnCl2, और उसी के साथ में यहां पर हाइड्रोजन गैस क्या होगी, लिबरेट हो जाएगी, मतलब हाइड्रोजन गैस उसमें से निकल जाएगी। यही तो यहां पर इसका ट्विस्ट है, और इसका ट्विस्ट ये है कि जो हमारी हाइड्रोजन निकली है ना अभी, ये बहुत ही अच्छी गैस है, ये बहुत ही ज्यादा अच्छी है। ये क्या करती है, पॉप साउंड के साथ में बर्न होती है, और इसी पॉप साउंड को लेकर के टीचर आपको एग्जाम में क्वेश्चन देगा। ठीक है, टीचर को भी ये पॉप साउंड अच्छा लगता है, इसीलिए क्या करता है, वो भी इस पॉप साउंड में आप लोगों को क्वेश्चन देगा। तो आपको याद रखना है कि ये पॉप साउंड होता है, और इसको कैंडल की हेल्प से जब इसके पास में कैंडल लाई जाती है तो यहाँ पर पॉप साउंड करके बर्निंग स्टार्ट हो जाती है इसकी। फिर इसके बाद में यहाँ पर नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो आता है यहाँ पर रिएक्शन विद मेटल कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट। अब हमारे पास में नए कंपाउंड आ गए, मेटल कार्बोनेट और मेटल बाइकार्बोनेट। तो क्या होगा, जब एसिड इनके साथ में रिएक्शन करेगा मेटल कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के साथ में, तो हमें यहाँ पर सॉल्ट मिलेगा, और उसी के साथ में यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है वो यहाँ से रिलीज हो जाएगी। तो यहाँ पर हो गया 2 times ऑफ HCl प्लस ऑफ Na2CO3 विल गिव NaCl प्लस CO2 प्लस ऑफ यहाँ पर H2 आपको मिल जाएगा। और इसके लिए आप लोगों को एक रिएक्शन भी मिलेगी कि जिसके अंदर कि आपको एक जो सॉल्यूशन है उसके अंदर डालना है, और फिर उससे आप लोगों को गैस निकलेगी और वो कलर चेंज करेगा, तो वही यहां पर CO2 गैस होती है। तो ये थोड़ा देखो, ये पॉइंट है, ये काफी ज्यादा याद रखना है, इसलिए बोलता हूं कि ध्यान से सुनना इनको। फिर इसके बाद में फोर्थ पॉइंट आता है, वो आता है कि एसिड रिएक्ट विद मेटल ऑक्साइड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। मतलब मेटल ऑक्साइड जब एसिड के साथ में रिएक्शन होगा तो क्या बनेगा, नया कुछ नहीं बनेगा, मेटल ऑक्साइड हुआ एसिड के साथ में रिएक्शन करेगा तो सॉल्ट और वाटर फॉर्म हो जाएगा। सॉल्ट तो हर बार फॉर्म होगा, और उसके साथ में पानी और फॉर्म हो जाएगा। और फिर आती है अब केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ बेस। तो यहाँ पर याद रखना कि जो दोनों की एसिड हो या फिर बेस हो, जब वो मेटल के साथ में रिएक्ट करता है तो यहाँ पर हाइड्रोजन गैस तो रिलीज होती ही होती है। एसिड, इसकी जगह पर एसिड भी लिख सकते हो, बस एक ही स्टेटमेंट याद रखो, एसिड हो या बेस हो मेटल के साथ में हमेशा हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। तो यहाँ पर NaOH है ZnO, तो यहाँ पर मिला हमें Na2ZnO2, और उसी के साथ में हाइड्रोजन गैस यहाँ से रिलीज हो गई, मतलब चली गई हाइड्रोजन। ठीक है, और फिर इसके बाद में नेक्स्ट जो आता है वो आता है बेस रिएक्शन विद एसिडिक ऑक्साइड। जैसे कि अगर एसिडिक ऑक्साइड जो होती है अगर उसके साथ में बेस रिएक्शन करेगा तो क्या होगा, तो सॉल्ट तो बनेगा और उसके साथ में क्या क्या बनेगा, जैसे कि ये NaOH क्या है, ये है बेस, और CO2 क्या है, ये है एसिडिक ऑक्साइड। ये तो एग्जाम्पल है, इसी को याद रख लेना कि ये जो होती है एक एसिडिक ऑक्साइड होती है।
फिर ये क्या देगी हमें, ये देगी यहाँ पर Na2CO3। ये क्या होता है, ये होता है एक सॉल्ट, जो कि अभी अभी हमने नाम पढ़ा था इसका, वो होता है सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट इसका नाम होता है, और इसके साथ में यहाँ पर वाटर इसमें रिलीज हो जाता है। और फिर इसके बाद यहाँ पर आती है, वो आती है अब सॉल्ट। अब देखो सॉल्ट जो है, सॉल्ट काफ़ी अच्छा है कि आप एसिड और बेस को रिएक्शन करवा दो और आपको सॉल्ट मिल जाएगा और उसके साथ में वाटर भी मिल जाएगा। ये जो रिएक्शन होती है एसिड और बेस की, इसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहा जाता है। अब आपको इसमें याद रखने वाले पॉइंट ये है कि एसिडिक सॉल्ट क्या होता है, बेसिक सॉल्ट क्या होते हैं, न्यूट्रल सॉल्ट क्या होते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि एसिडिक सॉल्ट क्या होता है। एसिडिक सॉल्ट वो होते हैं जो कि एक स्ट्रॉन्ग एसिड के हों लेकिन उनके अंदर वीक बेस हुआ। तो आप ये देखो कि यार आप एक मतलब एक तरीके से आप किसी एक सब्जेक्ट में स्ट्रांग हो, जैसे कि मैं बोल देता हूँ कि आप मैथ में स्ट्रांग हो, ठीक है, और आप केमिस्ट्री में वीक हो, तो आपको क्या कहा जाएगा कि यार ये थोड़ा एसिडिक नहीं है, ये मैथमेटिक स्टूडेंट है, और जो केमिस्ट्री में स्ट्रांग हो उसको कहा जाएगा कि केमिस्ट्री के स्टूडेंट है। मतलब समझाने के लिए बता रहा हूँ ताकि आप उसे समझ पाओ, समझ रहे हो ना मेरी बात, फीलिंग समझो यहाँ पर, ये फीलिंग वाला कंसेप्ट है। और फिर इसके अंदर बेसिक सॉल्ट की अगर मैं बात करूं तो बेसिक सॉल्ट के अंदर यहाँ पर बेस की बात करेगी, मतलब बेस, बेस याद रखो कि बेस, बेस आ रहा है, मतलब यहाँ पर क्या होगा कि स्ट्रांग बेस होगा लेकिन यहाँ पर वीक एसिड होगा। तो यही हो गया, यहाँ पर वीक एसिड हो गया और स्ट्रांग बेस हो गया, तो हमें क्या मिल गया यहाँ पर, बेसिक सॉल्ट मिल गया। और लास्ट के अंदर मिल गया न्यूट्रल सॉल्ट। न्यूट्रल सॉल्ट का मतलब क्या होगा, भैया आप दोनों ही स्ट्रांग स्ट्रांग ले लिए, स्ट्रांग ही एसिड ले लिया, स्ट्रांग ही बेस ले लिया, तो फिर मिलेगा क्या, कुछ नहीं मिलेगा, न्यूट्रल रह जाओगे क्या। मतलब अगर सभी के अंदर ही अच्छे एक्सपर्ट हो जाओगे तो सब भी आता है आपको, तो आप तो न्यूट्रल ही हो गए, ठीक है, ये होती है इसकी बात। और फिर इसके बाद यहाँ पर अब इसके कुछ रिलेटेड सॉल्ट आते हैं। सबसे पहला आता है, वो आता है नमक। अब जैसे कि एक डायलॉग है फेमस हिंदी फिल्म का कि मैंने तुम्हारा नमक खाया, मैं तुम्हारे साथ में गद्दारी नहीं करूँगा, ठीक है, तो तुम भी गद्दारी मत करना। गद्दारी इन द सेंस कि पढ़ रहे हो फिर भी यार लाइक नहीं करते यार, ये गलत बात है। और उसके साथ में शेयर भी कर देना अपने दोस्तों के साथ में, और सब्सक्राइब तो कर ही लेना, ठीक है, नहीं तो ऐसी वीडियोज़ कब मिलेंगी तुम्हें, और कैसे मिलेंगी बताओ, किसको मिलेंगी अगर सब्सक्राइब नहीं करोगे, तो ये सब काम कर लेना। और अब यहाँ पर हम बात करते हैं कॉमन सॉल्ट की, मतलब नमक। नमक कैसे फॉर्म होता है, नमक को फॉर्म करने के जो तरीका है बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। इसमें क्या किया जाता है कि यहाँ पर ये पहली हमने तो नमक बना दिया, बताओ हम बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड हैं, यू नो, तो यहाँ पर NaCl आएगा, ये NaCl की जगह पर यहाँ पर आएगा NaOH, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। और फिर यहाँ पर आपके पास में जो रिलीज होगा वो होगा यहाँ पर HCl, ठीक है, HCl, और जब इसकी रिएक्शन होगी तो ही आपके पास में क्या बनेगा, NaCl बनेगा, और उसके साथ में वाटर फॉर्म होगा, ठीक है। ये आपको याद रखना कि NaCl आपको अगर बनाना है तो आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड लेना होगा और एक यहां पर एसिड लेना होगा, तो फिर आपको यहां पर मिलेगा NaCl और उसके साथ में वाटर मिलेगा। अब इसके यूजेस क्या क्या है, एग्जाम में टीचर को मतलब नहीं है कि मैं घर से नमक खा के आता हूं और मेरे को पता है कि क्या क्या यूजेस हैं, लेकिन फिर भी वो आपसे पूछेगा कि नमक के यूजेस क्या हैं। तो सबसे पहला जो यूज़ है वो आता है टेस्ट इन फूड, मतलब एक तरीके से इंग्रेडिएंट है फूड के लिए, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, टेस्ट को इन्हेंस कर देता है। अगर मन हो रहा है कि यार टेस्ट को नहीं करते इन्हेंस, तो आज बिना नमक की रोटी खाना, ठीक है, पता लग जाएगा क्या होता है टेस्ट नमक के बिना। और फिर इसका आदमी इसका नाम होता है यहाँ पर रॉ मटेरियल की तरह काम में लिया जाता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड एंड बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, इन सभी की फॉर्मेशन में इसको यहाँ पर रॉ मटेरियल की तरह काम में लिया जाता है, जो कि अभी हम आगे पढ़ने वाले हैं। अब इसके बाद में यहाँ पर आते हैं नेक्स्ट कंपाउंड, जो कि होता है एक ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर भी एक तरीके का सॉल्ट होता है, और इसका काम क्या होता है, इसका काम ये होता है जैसे कि आपने सुना होगा कि ब्लीच करना है, ब्लीच करने का मतलब ये होता है कि उसको कलरलेस करना है। तो यहाँ पर क्या होता है कि CaOCl2, तो इसका केमिकल फॉर्मूला हो गया, और ये फॉर्म किस तरीके से होते हैं, यहाँ पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, उसको आपको क्लोरीन के साथ में रिएक्शन करवाना है, तो फिर आपको आपके हाथ में मिल जाएगा एक तड़कता भड़कता ब्लीचिंग पाउडर, और उसी के साथ में वाटर भी फॉर्म हो जाएगा। इसके यूजेस क्या क्या हैं, इसके यूजेस ये हैं कि मेक द ड्रिंकिंग वाटर फ्री फ्रॉम जर्म्स। अगर आप इसको पानी के अंदर मिला दोगे तो आपको जर्म फ्री वाटर मिल जाएगा, सबसे पहला काम बहुत ही अच्छा है। सेकेंड है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम में लिया जाता है। थर्ड है कि यहाँ पर टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर ब्लीचिंग ऑफ कॉटन के लिए काम में लिया जाता है, मतलब कॉटन को कलरलेस बनाने के लिए इसे काम में लेते हैं। और हमारे पेपर भी क्या होते हैं, पेपर भी व्हाइट होते हैं, तो इसमें भी इसको काम में लिया जाता है, व्हाइट बनाने के लिए पेपर इंडस्ट्री में भी इसका काम में लिया जाता है। देन फिर इसका नेक्स्ट जो कंपाउंड आता है वो आता है हमारे पास में वॉशिंग पाउडर। वॉशिंग पाउडर निर्मा
मतलब आगे तो मैं भूल गया यार, गाना बहुत अच्छा था, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं। वॉशिंग पाउडर होता है, वॉशिंग पाउडर का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? केमिकल फॉर्मूला इसका ये होता है Na2CO3.10 of H2O, ये हो गया इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है, अब इसके बाद में इसके यूजेस क्या क्या है, यूज तो यार सभी जानते हो, इसके नाम पढ़ के यूज आ जानी चाहिए भैया, कपड़े धुलते हैं उससे। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये होगा कि केमिकल मतलब क्लीनिंग प्रॉपर्टी की वजह से इसको सोप इंडस्ट्री में काम में लिया जाता है। और मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोडियम कंपाउंड सच एज बोरेक्स, जो कंपाउंड है किसका, सोडियम का ही कंपाउंड होता है, उसकी फॉर्मेशन में इसको रॉ मटेरियल की तरह काम में लेते हैं। और मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ग्लासेस एंड पेपर, पेपर की फॉर्मेशन में और ग्लास की फॉर्मेशन में भी इसको काम में लिया जाता है। और फिर इसका में अगला कंपाउंड आता है, वो आता है यहाँ पर प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो अब यहाँ पर पेरिस का नाम सुनकर के बच्चे सोचते होंगे, पहली बार जब नाम सुना था तो वो ये सोचते हैं कि यार एफिल टावर होगा, एफिल टावर के ऊपर ही बनता होगा, लेकिन नहीं, ये बहुत ही आसानी पीओपी होती है। अभी पीओपी क्या होती है, जिस अभी पता होगा, जैसे कि जिसका हाथ टूटा होगा उसको पता होगा कि हाथ टूट जाते जब जो डॉक्टर होता है वो एक व्हाइट कलर का जो डालता है पूरे हाथ में, वो ये पीओपी ही होती है, उसको फॉर्म करा जाता है। तो वो पीओपी का फॉर्मूला होता है Ca(SO4)½ of H2O। और इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, इसकी प्रॉपर्टी ये होती है कि ये पहले पाउडर फॉर्म में होती है, और फिर उसके बाद में क्या होता है कि पाउडर फॉर्म से एक ये सॉलिड और स्ट्रॉन्ग फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। आप बस इसके अंदर पानी मिला दो, फिर आपको एकदम से सॉलिड मिल करके तैयार हो जाएगा। तो इसके यूजेस क्या क्या होंगे, इसका यूज तो ये होगा कि डॉक्टर फॉर फिक्सिंग ऑफ एन द फ्रैक्चर्ड बोन, जिसकी भी हड्डियां टूट जाती हैं उसको सही करने के लिए इसको काम में लिया जाता है। फिर सेकंड ये होता है कि मेकिंग ऑफ टॉयज एंड डेकोरेटिव मटेरियल, तो डेकोरेटिव मटेरियल या फिर आपको अगर एक अच्छा सा कुछ बनवाना है तो वो भी पीओपी का फॉर्म होता है, खिलौने भी इसके पीओपी के बनते हैं। तो बेसिकली सबसे फर्स्ट आता है यहाँ पर मेटल। अब देखो मेटल क्या होता है, मेटल आपने घर पे जिस चेयर के ऊपर बैठे हो सकता है कि वो मेटल की होगी, और अगर वो नहीं है तो उसके बाद में देखो अपना फैन जो है फैन मेटल का होगा। तो भैया एक ऐसा एलिमेंट जो कि क्या करता है कि पॉजिटिव आयंस बनाता है बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन। अब आप बोलोगे कि भैया जो हमारा फैन है वो तो ऐसा कुछ करता ही नहीं है। तो देखो बेसिकली यहाँ पर हम बात करेंगे कि जो हमें फिजिकली दिखता है उसकी बात नहीं है, जैसे कि जो आपको दिख रहा है वो तो है ही नहीं, बेसिकली हम यहाँ पर बात करें केमिकल रिएक्शन की। तो मेटल्स वो होते हैं जो कि ऐसे एलिमेंट होते हैं जो कि रिएक्शन करते हैं तो पॉजिटिव आयन बनाते हैं। जैसे कि मान लो कि M है, तो जब ये केमिकल रिएक्शन होती है तो ये क्या होता है कि M प्लस में कन्वर्ट हो जाता है और उसी के साथ में एक इलेक्ट्रॉन को अपने यहां से भगा देता है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ जो कि है यहां पर इसकी प्रॉपर्टीज। अब देखो इसकी प्रॉपर्टीज हैं वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसी के साथ में प्रॉपर्टी से ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसके एक्सेप्शन। तो देखो सबसे फर्स्ट आते हैं यहां पर मेटेलिक लस्टर। मेटेलिक लस्टर का मतलब क्या होता है, वो होती है चमक। जैसे कि आप देखो घर पे, आपके घर पे कोई भी गोल्ड होगा वो अच्छा खासा चमक रहा होगा, और उसी के साथ में कोई भी मटेरियल होगा जैसे एल्यूमिनियम होता है वो भी चमकता है, कॉपर होता है वो भी चमकता है। तो जितने भी मेटल होते हैं ना उनके पास में एक मेटेलिक लस्टर होती है, मतलब उनके पास में उनकी खुद की चमक होती है, उनके पास में अपना एक शाइनी सरफेस होता है। इसी प्रॉपर्टी की वजह से इनको यहाँ पर किस लिए काम में लिया जाता है, जैसे कि सिल्वर और गोल्ड हो गए ना, इनको यूज करा जाता है ज्वेलरी मेकिंग के लिए। जैसे कि आपने देखा होगा कि जो ज्वेलरी होती है, ऐसा तो है नहीं कि कोई आयरन की ज्वेलरी पहन रहा है, नहीं पहनता ना कोई भी लोहे की, जो पहनते हैं वो पहनते हैं सिल्वर की पहनते हैं और गोल्ड की पहनते हैं, वो इसलिए पहनते हैं क्योंकि वो अच्छा दिखता है और वो चमकता है। टी पॉइंट आता है, वो आता है हार्डनेस का। देखो जितने भी मेटल्स होते हैं मोस्टली वो सभी के सभी हार्ड होते हैं, और ये हार्डनेस जो होती है कि जैसे कि कौन कितना ज़्यादा स्ट्रांग है वो डिपेंड करता है कि उनका क्या मेटल से मेटल के ऊपर वेरी करता है। जैसे कि जो गोल्ड है, गोल्ड थोड़ा कम हार्ड होता है, उसी के साथ में एल्यूमिनियम होता है वो थोड़ा ज्यादा हार्ड होता है, और इन सबसे ज्यादा हार्ड होता है वो होता है स्टील होता है, फिर उसके बाद में आयरन होता है, इन सभी की अपनी अपनी हार्डनेस होती है। लेकिन पता है कुछ कुछ मेटल ऐसे होते हैं जो कि ना हार्ड नहीं होते, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल के लिए यहां पर हो गया सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, लिथियम हो गया, ये सब क्या है, ये है सॉफ्ट मेटल है। तो ये एक्सेप्शन याद रखो, चाहे से ये याद रखो रखो कि हार्डनेस क्या होती है, लेकिन इसका एक्सेप्शन जरूर से याद रखना। देन फिर इसके बाद में हमारे पास में अगली प्रॉपर्टी आती है, वो आती है मैलिएबिलिटी। अब देखो मैलिएबिलिटी क्या होती है, एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है मेटल की बाय वर्च्यू ऑफ विच इट मेटल कैन बी कन्वर्टेड टू शीट्स। जैसे कि आपने देखा होगा कि जो आयरन होता है, आयरन को आसानी से शीट्स के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाता है, तो यही प्रॉपर्टी होती है, इसको ही मैलिएबिलिटी कहा जाता है। और ये बेसिकली पाई जाती है गोल्ड में, सिल्वर में, ये नॉन मेटल्स में नहीं मिलती। इसके बाद में आती है इसकी फोर्थ प्रॉपर्टी जो
कि होता है डक्टिलिटी। तो डक्टिलिटी एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से मेटल कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स। मेटल को आप आसानी से वायर के अंदर कर सकते हो, जैसे कि आपके घर पे जो वायर्स हैं वो हैं कॉपर के, तो क्या करा गया है उसकी डक्टिलिटी प्रॉपर्टी की वजह से ही उसको वायर्स के अंदर कन्वर्ट करा गया। उसी के साथ में एक फैक्ट वाली बात यह है कि 1 ग्राम गोल्ड जो है वो 1 किलोमीटर तक कन्वर्ट किया जा सकता है। ठीक है, मैं 1 ग्राम लिख करके आगे लिखना भूल गया कि 1 ग्राम गोल्ड कैन बी कन्वर्टेड इंटू 1 किलोमीटर ऑफ वायर। ठीक है, अब आप सोच करके देखोगे आपके घर पे जो कॉपर वायर है उसकी जगह पर गोल्ड के वायर होते हैं तो कितनी रहीसी होती ना, आप समझ सकते हो कितने ज्यादा रिच होते हैं। तो कौन कौन चाहते हैं कि भैया हमारे घर पर गोल्ड के वायर हो, यस या फिर नो, में जल्दी से इसका आंसर बताओ। वैसे इररिलेवेंट है लेकिन आप लोगों को मजा इसी बात में आता है, तो इसी बात के ऊपर ऐसी बातें करते हुए हम पढ़ते हैं। तो बेसिकली आप बताओ कि यार आपको घर पर गोल्ड के वायर चाहिए या नहीं चाहिए। और बेसिकली अभी कैसी वीडियो चल रही है मैं आपको एक बताता हूँ कि मैं एक बार एक वीडियो देख रहा था, उसमें बोलता है कि आपने अगर इस वीडियो को लाइक नहीं किया और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं समझ जाऊंगा कि आप अपनी माँ से बिल्कुल भी प्यार नहीं करते। और कई कई तो ऐसे बोलते हैं आपने चड्डी नहीं पहनी होगी। भाई साहब कुछ भी चल रहा है, तो मतलब ये मान लो कि अब आपको लाइक कर देना है। मेरे को बस इसी से बात याद आई, यार मैं यस और नो क्यों लिखवा रहा हूं, तो मेरे को वो वाला बात याद आ गई, कोई बात नहीं। देन फिर इसके बाद में जो अगला पॉइंट आता है हमारे पास में वो आता है गुड कंडक्टर ऑफ हीट। अब इसको चेक करने के लिए आप देख सकते हो आपके घर पे जिससे चाय बन रही है, भगोने में जिसमें चाय बन रही है, उसको जाकर एक बार हाथ लगा दो, आपको पता लग जाएगा कि हाँ यार ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं, उसी के साथ में गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। अब इसके पीछे का रीजन क्या है, देखो ध्यान से सुनो, ये नोट करके लिखा हुआ है तो ये इंपॉर्टेंट है। इसलिए होता है बिकॉज ऑफ दिस प्रॉपर्टी ऑफ अ हीट कंडक्टिंग यूज्ड फॉर द मेकिंग ऑफ यूटेंसिल्स दैट कैन बी यूज्ड फॉर कुकिंग। जब इनकी प्रॉपर्टी है कंडक्टिविटी की, ये हीट को कंडक्ट कर सकते हैं, जब जाकर इनको खाना बनाने के लिए काम में लिया जाता है। परफेक्ट एग्जांपल है सिल्वर हो गया, कॉपर हो गया, स्टील हो गया, ये सब अच्छे कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं। और इसी के साथ में कई कई जगह पर एक्सेप्शन भी होते हैं, तो यहां पर एक्सेप्शन ये है कि लेड और मरकरी जो है आर द पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, ये दोनों के दोनों पुअर कंडक्टर ऑफ हीट हैं। देन फिर इसके बाद में यहां पर आती केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल की, भैया ये जब केमिकल हम इनमें डाल देंगे तो किस तरीके से रिएक्ट करेंगे। तो बेसिकली सबसे फर्स्ट यहां पर आता है वो आता है रिएक्शन विद ऑक्सीजन। जब मेटल प्लस ऑक्सीजन होता है तो यहां पे बनती है मेटल ऑक्साइड। अब इसका एग्जांपल देखो, सबसे पहले हम लेते हैं मैग्नीशियम रिबन को। जब मैग्नीशियम रिबन को लोगे तो वो जब बर्न करता है ना, बहुत ही ज्यादा, एक तरीके से आप बोल सकते हो कि बहुत ही ज्यादा, जैसे अनार देखा ना दिवाली वाला, याद करो दिवाली वाला अनार, तो वैसा ही कुछ है आपको देखने को मिलेगा इतने से मैग्नीशियम के रिबन से, इतना ज्यादा वो बर्न करता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिलते हैं तो यहां पर बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड जो कि होता है MgO। देन फिर इसके बाद में पर नेक्स्ट रिएक्शन आते हैं कि कॉपर मेटल क्या करेगा, कॉपर मेटल भी कोई नया काम नहीं करेगा, कॉपर हो गया, ऑक्सीजन हो गया, तो यहां पर अपनी कॉपर ऑक्साइड बना लेगा जिसका कि कलर होगा वो होगा ब्लैक। याद रखना कि कॉपर ऑक्साइड का जो कलर होता है वो होता है ब्लैक। देन फिर इसके बाद में एल्युमिनियम भी क्या करेगा, एल्युमिनियम अपनी ऑक्साइड बनाएगा जो कि होगा Al2O3। ये रिएक्शन ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं, बस ये याद रखो कि मेटल प्लस ऑक्सीजन गिव्स अस मेटल ऑक्साइड। अब अगला टॉपिक आता है वो आता है एम्फोटेरिक ऑक्साइड। तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड जो है ना, इसकी डेफिनेशन याद रखनी काफी ज्यादा जरूरी है। तो बेसिकली क्या होता है एम्फोटेरिक ऑक्साइड, ये एक ऐसे ऑक्साइड्स होती हैं जो कि दोनों होती हैं, एसिड भी होती हैं और उसी के साथ में ये बेस भी होती हैं। तो अब जो एसिड है और बेस है दोनों प्रॉपर्टी शो करता है, मतलब दोगलापन दिखाता है, उसी को यहां पर क्या कहा जाता है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहा जाता है। इसके अंदर आप बेसिकली याद रख सकते हो कि बेस के साथ में भी रिएक्शन करेगी और एसिड के साथ में भी रिएक्शन करेगी। ऐसी जो ऑक्साइड होती है उनको एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहते हैं। अब इसके एग्जांपल है एल्युमिनियम ऑक्साइड हो गया, जिंक ऑक्साइड हो गया। अब इसके अंदर एल्युमिनियम ऑक्साइड की अगर मैं बात करूं जो कि एसिड के साथ में रिएक्शन करेगी तो यहां पर बनाएगी एल्युमिनियम क्लोराइड जो कि है AlCl3। और फिर इसके बाद में एल्युमिनियम ऑक्साइड जब बेस के साथ में रिएक्शन कर रही है, NaOH क्या है, वो है बेस, तो इसके साथ में जब रिएक्शन कर रही है तो ये बना रही है NaAlO2। ठीक है, ये है यहां पर सोडियम एल्युमिनियम। अब इसके बाद में आता है रिएक्शन विद वाटर, क्या रिएक्शन होती है वाटर के साथ में। तो बेसिकली जब मेटल वाटर के साथ में रिएक्ट करते हैं तो ये बनाते हैं अपनी मेटल ऑक्साइड और उसी के साथ में यहां पर हाइड्रोजन गैस इलेबरेट होती है। अब जैसे कि आप ये बोल सकते हो कि ये इतने से रिएक्शन नहीं रुकती है, जो मेटल ऑक्साइड ये फिर से जाती है वाटर के साथ
में, फिर रिएक्शन करके बनाती है मेटल हाइड्रोक्साइड। बहुत सारे बच्चे इस वाली रिएक्शन को फाइनल रिएक्शन समझ के लिख करके आएंगे, एग्जाम में एग्जामिनर नंबर नहीं देगा, फिर बोलोगे भैया ने बताया नहीं था। मैं बता रहा हूँ कि ये वाली जो रिएक्शन है, मेटल प्लस वाटर विल गिव यू मेटल हाइड्रोक्साइड, फाइनल प्रोडक्ट ये रहेगा। अब जैसे कि पोटेशियम है और सोडियम है, सबसे पहले हम करवाते हैं पोटेशियम की। तो पोटेशियम के अंदर क्या होता है कि याद रखना, पोटेशियम को के से रिप्रेजेंट करा जाता है, बहुत सारे बच्चे इसको पी से करेंगे, पी से होता है फॉस्फोरस, और यह है यहां पर के से मतलब ये है पोटेशियम। पोटेशियम के साथ में जब वाटर होगा तो वो देगा यहाँ पर KOH जो कि है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और उसी के साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। और ऐसे सोडियम मेटल प्लस ऑफ यहाँ पर क्या होगा वाटर, तो वो आपको देगा सोडियम हाइड्रोक्साइड और उसके साथ में हाइड्रोजन गैस। और फिर इसके बाद में यहाँ पर जो नेक्स्ट एलिमेंट आता है हमारे पास में, वो आता है कैल्शियम। अब कैल्शियम क्या करेगा, कैल्शियम भी कोई नया काम नहीं करेगा, आप वाटर के अंदर डालोगे तो ये आपको दे देगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो कि होता है CaOH2। अब देखो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है ये कंपाउंड, इस कंपाउंड का नाम क्या, या बहुत बार पढ़ के आई हो इसको, आप याद करो उस वाले चैप्टर के अंदर एसिड बेसिस एंड सॉल्ट में ये आया था CaOH2। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको नाम याद रखो, जल्दी से बताओ कमेंट सेक्शन में कि इसका नाम क्या है, ठीक है। अब इसके बाद में यहां पर नोट करके जो बात लिखी हुई है ना, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो बात यह है कि लेड हो गया, कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया और गोल्ड हो गया, ये पानी के साथ में रिएक्शन नहीं कर सकते। तो आप ये बोल सकते हो कि इनको पानी से डर लगता है, बेसिकली होता क्या है कि डर इनको कुछ ही नहीं लगता, इनको पानी के साथ में रहना अच्छा लगता। आप ये याद रखो कि जो लेड है, कॉपर है, ये आप देखो गोल्ड को अगर आप 10 दिन तक पानी में डाल के रहोगे इसके कुछ नहीं होगा, लेकिन वहीं पर अगर आप आयरन को डाल दोगे जो कि Fe होता है, उसमें क्या होगा रस्टिंग लगना स्टार्ट हो जाती है। ऐसा तो है नहीं कि मम्मी ने गोल्ड की रिंग खरीदी और थोड़े दिनों बाद में वो रस्टिंग लग करके वो खत्म हो रही, इसकी रिएक्शन जो होती है बहुत ही ज्यादा स्लो होती है गोल्ड की, फिर इसके बाद में सिल्वर की, फिर कॉपर की, लेड की, रिएक्शन यूजुअली वाटर के साथ में नहीं करते। और फिर इसके बाद में ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी जो है ना वो इस तरीके से रहता है, सबसे ज्यादा जो रिएक्शन करता है वो करता है पोटेशियम, फिर इसके बाद में सोडियम। आप एक अगर आपको मिले कभी पोटेशियम का टुकड़ा तो कभी उसको पानी के अंदर छोटा सा डाल देना, आपको पता लग जाएगा कि यार कितनी विग्रस रिएक्शन होती है, बहुत ज्यादा जो तबाही वाली रिएक्शन होती है ना वो होती है पोटेशियम से। फिर इसके बाद में सोडियम भी ऐसे ही करता है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सब इस तरीके से रिएक्शन करते हैं, और ये है इनकी रिएक्टिविटी सीरीज। और यहाँ पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर ये है कि जो हाइड्रोजन गैस निकल रही है, हम बोल रहे हैं कि हाइड्रोजन गैस निकल रही है, उसको टेस्ट करा जाता है बर्निंग कैंडल की हेल्प से। जैसे जैसे कि यहाँ पर हम रिएक्शन कर रहे हैं, इसमें से कोई भी गैस निकल रही है, तो करना क्या है कि आपको यहाँ पर एक कैंडल लाओगे, तो जैसे आप कैंडल लाओगे ना तो उसमें से बबल्स जो है ना वो ऐसे पॉप के साउंड से होंगे, जैसे पॉप का साउंड आता है ना। इसके बाद में यहाँ पर जो नेक्स्ट आती रिएक्शन विद एसिड, ये वाली रिएक्शन तो आपने पिछले वाले चैप्टर में भी पढ़ी थी कि एसिड बेसिस एंड सॉल्ट जब क्या करते हैं, तो बेसिकली करते क्या है, कुछ नहीं करते, नया काम कोई नहीं करते। सबसे पहले मेटल होता है, एसिड होते ही रिएक्शन करके बनाते हैं मेटल सॉल्ट, और उसी के साथ में हाइड्रोजन गैस भी रिलीज हो जाती है। तो सबसे फर्स्ट हम एसिड लेते हैं, वो लेते हैं डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, इसका फॉर्मूला होता है वो होता है HNO3, ये लेंगे हम डाइल्यूट। तो जब रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ पे सॉल्ट बनेगा, और उसी के साथ में ऑक्साइड, याद रखो वो निकलती है NO2 और एक होती है N2O, दोनों की दोनों निकलती है, याद रखना एग्जाम के अंदर ये MCQ टाइप क्वेश्चन में आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि NO2 होती है या फिर N2O होती है, तो इसके अंदर दोनों गैसेस निकलते हैं और उसी के साथ में यहाँ पे वाटर भी फॉर्म होता है। और यहाँ पे अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, फिर एक इंपॉर्टेंट कंपाउंड आता है जो कि यहाँ पे एक्वारेजिया। अब एक्वारेजिया को याद रखना क्योंकि ये MCQ क्वेश्चन में CBSE का वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है, वो ये है कि मिक्सचर ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड कंसेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड इन अ 3:1, मतलब आप एक काम करो 30 ml का तो आप ले लो भैया हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और उसी के साथ में आप 10 ml का ले लो, हमारे लिए क्या ले लो HNO3, तो आपके पास में क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा एक्वारेजिया। और ये काम में किसके लिए आता है, तो जो सुनार होते हैं ना उनको गोल्ड के साथ में रिएक्शन करवानी होती है, तो बेसिकली गोल्ड को साफ करना होता है, तो उसके लिए यहाँ पे काम में लिया जाता है, और इसके अंदर आसानी से गोल्ड मेटल डिसॉल्व हो जाता है एक्वारेजिया में। देन फिर इसके बाद में यहाँ पर चलते हैं नेक्स्ट की तरफ, जो कि है हमारी रिएक्टिविटी सीरीज, जिसको याद रखना है काफी ज्यादा जरूरी। तो रिएक्टिविटी सीरीज कुछ इस तरीके से है, सबसे पहले पोटेशियम है, सोडियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, ये सब याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको याद रखना है ये वाले ट्रिक। बेसिकली जो सबसे ऊपर आने वाले हैं वो है सबसे ज्यादा रिएक्टिव, और जो नीचे आएंगे वो होंगे सबसे लेस रिएक्टिव।
तो यहाँ पे आपको याद रही ये रखना है कि प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ जेब्रा, मतलब आपका दोस्त आपको एक नया नाम दे रहा है, क्योंकि हमारे दोस्त हमें हमेशा नया नाम देते हैं। तो वहीं पर क्या होता है कि आप ये याद रख सकते हो कि आपका दोस्त आपको नया नाम दे रहा है, वो दे रहा है जेब्रा। एंड फिर उसके बाद में बोलते हो कि आई लाइक हर कॉलिंग माइंड ब्लोइंग स्मार्ट गोट, ठीक है, आई लाइक हर कॉलिंग स्मार्ट गोट, मतलब आप उसको बकरी कहना पसंद करते हो। फिर ये कह रही है कि ना आई लाइक हर कॉलिंग अ गोट, मतलब आप बकरी कहना पसंद कर रहे हो उसको, समझ रहे हो, उसको आप बकरी बोल रहे हो। तो यार जो समझना था वो समझ गए, जो समझ गया कमेंट्स में बता दो कि हाँ भैया हम आपका इशारा समझ चुके हैं, और जो नहीं समझे तुम इसको याद रखो यार, तुम्हारे लिए वो बात नहीं है, जो समझ गए वो समझ गए, जो नहीं समझे उनके लिए कोई बात नहीं। आपके लिए रिएक्शन है कि प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ ज़ेब्रा, आई लाइक हर कॉलिंग माइंड ब्लोइंग स्मार्टेस्ट गोट, ठीक है। देन फिर इसके बाद चलते हम नेक्स्ट की तरफ, जो कि है भैया नॉन मेटल। अब देखो नॉन मेटल क्या होते हैं, वो सब उल्टा होता है, जो मेटल के पास में होता है वो नॉन मेटल के पास में नहीं होता, समझ रहे मेरी बात। नॉन मेटल क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं, मेटल क्या होते हैं, वो होते हैं हार्ड, उनके पास में लस्टर होती है, इनके पास में कुछ नहीं होता, ये ब्रिटल होते हैं, अगर आप एक हथौड़ा लेकर के तोड़ दोगे ना टूट जाएंगे, लेकिन गलती से भी डायमंड के ऊपर मत डालते हैं। मेरे को तो ये बात समझ में नहीं आती कि जब साइंटिस्ट लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं तो यार गोल्ड डायमंड है उसके ऊपर कौन हथौड़ा मारना चाहेगा यार, कौन उसकी हार्डनेस को टेस्ट करना चाहेगा। अगर मैं मान लो कि 3 से 4 करोड़ का अगर मैं हीरा खरीदता हूं तो क्या मैं उसके ऊपर हथौड़ा मारूंगा, मैं उसको किसी को हाथ नहीं लगाने दूंगा भाई, इतना यार इतना महंगा इन्वेस्टमेंट है, लेकिन फिर भी साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट करते हैं, कोई बात नहीं। और ये ब्रिटल का मतलब ये होता है कि वो टुकड़ों में टूट जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है, तो नॉन मेटल्स यूजुअली ब्रेक डाउन हो जाते हैं। इनकी डेंसिटी जो होती है वो लो डेंसिटी होती है, और लो मेल्टिंग पॉइंट और लो बॉइलिंग पॉइंट होता है नॉन मेटल का, और उसी के साथ में नॉन सोनोरस होते हैं और नॉन लस्टरस होते हैं। अब नॉन सोनोरस का मतलब ये होता है कि इनमें से जो साउंड है वो नहीं आती। अब इसका एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं कि आप है ना घंटा सुना आपने, मंदिर में जब हम जाते हैं घंटा बजाते हैं, तो वो घंटा किसका होता है, वो बेसिकली कई बार पीतल का होता है या फिर कॉपर का होता है, कॉपर का नहीं होता, पीतल का ही होता है, तो उसमें से आवाज़ आती है ना। लेकिन वहीं पर ही नॉन मेटल हो गया, नॉन मेटल के लिए आप देख सकते हो कि नॉन मेटल का क्या एग्जाम्पल दूँ आपको, आप है ना कोई भी अपने प्लास्टिक का बॉक्स के ऊपर मार लो, उसमें से आवाज़ नहीं आएगी, तो वो होता है सोनोरस। और नॉन लस्टरस का मैंने मतलब बता ही दिया था कि चमकीला। और फिर इसके बाद में ये बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, लेकिन इनमें से कैसे उस्ताद होते जो कि बहुत तगड़ी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, वो होते हैं यहाँ पर ग्रेफाइट। एक अकेला एकमात्र नॉन मेटल है जो कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, वो भी बेस्ट तरीके से। और ये नॉन मैलिएबल होते हैं, नॉन डक्टाइल होते हैं, मतलब ना ही तो आप इनको शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हो, ना ही आप इनको वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आप ये बोल सकते हो कि यार इनको है ना कुछ भी नहीं कर सकते, मेटल के साथ पे जो चाहते हैं वो कर लें, लेकिन इनके साथ में हम कुछ भी नहीं कर सकते। देन फिर इसके बाद में हमारे पास में अगला आता है कि इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है, याद ही नहीं रखना, ना पानी के साथ में रिएक्शन करते, ना डाइल्यूट एसिड के साथ में रिएक्शन करते, करते ही नहीं कुछ भी, तो हम याद ही नहीं रखेंगे। और फिर इसके बाद में यहाँ पर आता हुआ आता है ऑक्सीजन। भैया ऑक्सीजन क्या होता है, ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करते हैं तो क्या बनाते हैं, बेसिकली जो मेटल करते हैं मेटेलिक ऑक्साइड बनाते हैं, तो ये क्या नया काम करेंगे, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड बनाएंगे। तो यहाँ पर नॉन मेटल है कार्बन, कार्बन के साथ में ऑक्सीजन की रिएक्शन होती है, तो यहाँ पर CO2 फॉर्म होती है, जो कि होती है कार्बन डाइऑक्साइड। और फिर इसके बाद में हमारे पास में अगला आता है, वो आता है भैया क्लोरीन। क्लोरीन वाली रिएक्शन थोड़ी इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है कि भैया क्या करते हैं उनके साथ में, तो करते कुछ भी नहीं है, जहां पर भी आपको समझ में नहीं आना क्या करना है कुछ, वाटर के साथ में क्या होगा, वाटर मतलब हाइड्रोक्साइड बन जाएगी, और एसिड के साथ में क्या होगा, सॉल्ट बन जाएगा, ऐसे आपको याद रखना है। तो क्लोरीन के साथ में क्या होगा, क्लोरीन के साथ में कोई नया काम थोड़ी होगा, नॉन मेटल होगा क्लोरीन होगा, तो उसके साथ में हमें मिल जाएगी नॉन मेटल क्लोराइड, ठीक है, नॉन मेटल क्लोराइड मिल जाएगी, जैसे कि हाइड्रोजन हो गया और क्लोरीन हो गया। तो यहां पे हमें क्या मिलेगा, वो मिलेगा 2HCl, जो कि क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। देन फिर इसके बाद में हमारे पास में आता है कि हाइड्रोजन के साथ में रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा, तो बेसिकली यहां पर जब नॉन मेटल हाइड्रोजन के साथ में रिएक्शन करते हैं तो हमें मिलता है कोवेलेंट हाइड्राइड। क्या मिलता है, कोवेलेंट हाइड्राइड मिलता है, जो कि होता है H2 प्लस ऑफ S2 विल गिव H2S, जो कि गैस फॉर्म में रहेगा। और अगर बात करें कि रिएक्शन अगर हम करवा देते हैं मेटल की और नॉन मेटल की तो क्या होगा, बेसिकली क्या होता है कि जो मेटल होते हैं ना उनको पसंद है कि वो है ना इस संसार को, इस मोह माया को त्याग, तो बेसिकली वो करते क्या है कि अपने जो इलेक्ट्रॉन है
उनको छोड़ देते हैं, मतलब लॉस्ट कर देते हैं। और जो नॉन मेटल होते हैं, नॉन मेटल को अच्छा लगता है कि यार जितना पैसा है उतना अच्छा है, जितना पैसा है उतना अच्छा है। तो भैया नॉन मेटल ये होता है कि इसको है ना इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा पसंद है, इसको जितने इलेक्ट्रॉन दोगे नहीं बोलेगा और दे दो और दे दो भाई और दे दो और दे दो। तो आपको ये याद रखना है, व्हेन मेटल एंड नॉन मेटल रिएक्ट देन बोथ ऑफ देम ट्राइज टू अटेन। अब देखो यहां पर ध्यान से सुनो मेरी बात, जब मेटल और नॉन मेटल रिएक्शन करेंगे तो होगा क्या, बेसिकली क्या होता है कि जो हमारे मेटल होते हैं ना, आप देखो मेटल जो है वो है बड़ा ही सज्जन आदमी, इसको कोई भी डराते ही अपने इलेक्ट्रॉन को हाथों हाथ देता है, बोलता है कि यार मैं तो एम प्लस में ठीक हूँ, मेरे इलेक्ट्रॉन ले जाओ। अब ये ऐसा करता नहीं है, बेसिकली ऐसा इसलिए करता है क्योंकि इसको इस एक स्टेबल कॉन्फिग्रेशन चाहिए होता है। जैसे कि इसके एग्जाम्पल के यहाँ पर सोडियम, ठीक है, सोडियम का कॉन्फिग्रेशन है 281, तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन को अगर लूज कर देगा ना तो ये हो जाएगा 2.8, ये एक स्टेबल कॉन्फिग्रेशन में चला जाएगा नियॉन गैस के। तो ये नियॉन गैस में रहना पसंद करता है, इसीलिए क्या बोलता है कि मेरे एक इलेक्ट्रॉन ले लो और मुझे मुक्ति दो, बेसिकली ये काम करता है। लेकिन वहीं पर ही जो हमारा नॉन मेटल है जैसे कि क्लोरीन है, क्लोरीन का कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है 2.8.7, तो बेसिकली अगर इसको एक इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा तो इसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2.8.8, जो कि एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होता है। तो भैया ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, इसको चाहिए और इसको चाहिए, तो क्या करते हैं, ये जो हमारा सोडियम है सबसे पहले अपने इलेक्ट्रॉन निकाल करके इसको दे देता है, जिसको कि क्लोरीन रख करके क्लोरीन माइनस में बन जाता है। बेसिकली यही होता है इनके बीच में फॉर्मेशन, और इसी को मैंने यहाँ पर पूरा लिखा हुआ है कि कंप्लीटली फिल्ड आउटर मोस्ट शेल बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड द कंपाउंड फॉर्म बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन मेटल टू नॉन मेटल। याद रखना कि मेटल टू नॉन मेटल होते हैं, यहां पे मैंने बताया कि जो हमारा मेटल है वो तो इलेक्ट्रॉन देगा और उसी इलेक्ट्रॉन को क्या लेगा, क्लोरीन लेगा। तो मतलब क्या हुआ कि ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल टू नॉन मेटल, और ये जो कंपाउंड होता है इसको कहा जाता है आयनिक कंपाउंड कहते हैं इसको, ठीक है, याद रखना इस बात को। देन फिर इसके बाद में यहां पर यही रिएक्शन दी हुई है कि सोडियम आयन हो गया, क्लोरीन आयन हो गया, जो कि Na है, ये अपने इलेक्ट्रॉन इसको देता है, तो ये बन जाता है NaCl, और इसको आप लिख सकते हो Na प्लस और Cl माइनस, और NaCl भी आप इसे लिख सकते हैं। और उसके साथ में इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है आयनिक कंपाउंड की, तो भैया इसकी प्रॉपर्टी ये होती है कि सॉलिड होता है, हार्ड होता है नेचर में, और उसके साथ में इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है और हाई ही बॉइलिंग पॉइंट होता है, और ये सॉल्यूबल होता है वाटर के अंदर, आसानी से आप इसको वाटर के अंदर डिसॉल्व कर सकते हो, और ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता। डी वाला पॉइंट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जामिनर कंफ्यूज करेगा कि क्या इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा या नहीं करेगा, तो ये जो सॉलिड स्टेट है उसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा, और वहीं पर अगर आप इसको मोल्टन स्टेट के अंदर लेके जाओगे तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। क्यों? क्योंकि देखो NaCl क्या होता है, वो होता है Na और Cl, जब आप इसको पानी के अंदर मिलाते हो ना तो ये हो जाता है Na प्लस और Cl माइनस, तो ये आयंस के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, जिस वजह से क्या होता है कि आप नमक के अंदर पानी मिला करके इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवाओगे, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाती है। कार्बन के बारे में, तो देखो कार्बन होता क्या, बेसिक आपको याद रखना है कि कार्बन का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है 1s2 2s2 2p2, और इसके k शेल के अंदर दो इलेक्ट्रॉन होते हैं और l शेल के अंदर चार इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। इसका कॉन्फ़िगरेशन याद रखना है कि कितने इलेक्ट्रॉन इसके पास में होते हैं और क्या कॉन्फ़िगरेशन होता है, और इसकी जो मैक्सिमम वैलेंसी होती है वो होती है 4। इसका मतलब ये होता है कि ये है ना मैक्सिमम चार बॉन्ड बना सकता है, या फिर आप ये भी बोल सकते हो कि इसको चार इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट रहेगी बाहर से इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, तो चार इलेक्ट्रॉन इसको बाहर से चाहिए, इसलिए इसकी वैलेंसी 4 होती है। देन फिर इसके बाद में किस तरीके के बॉन्ड फॉर्म करता है, ये कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन करता है, हर एक कंपाउंड के साथ में आयनिक बॉन्ड इसमें फॉर्म नहीं होते, और कार्बन जो है वो बहुत सारे कंपाउंड बनाते हैं, कार्बन फॉर्म्स मैनी कंपाउंड बिकॉज ऑफ द टू प्रॉपर्टी। सबसे फर्स्ट तो है यहां पर इसकी कैटिनेशन, कैटिनेशन होती है किसकी, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। इसका मतलब ये होता है कि जो कार्बन है अपने आप से बहुत बड़ी ऐसे चेन बना सकते हैं, बाकी और कोई सा भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो कि इतनी लंबी चेन बना पाए, बेसिकली होता है कि मेकिंग बॉन्ड विद इटसेल्फ। देन फिर इसके बाद में इसकी जो सेकंड प्रॉपर्टी है वो है टेट्रावेलेंट। टेट्रावेलेंट का मतलब ये है कि इसकी मैक्सिमम कोवेलेंसी 4 है, सो दैट कार्बन कैन फॉर्म 4 बॉन्ड विद अदर एलिमेंट। ये चार बॉन्ड बना सकता है किसी और एलिमेंट के साथ में, फिर वो चाहे से हाइड्रोजन हो, ऑक्सीजन हो, नाइट्रोजन हो, इनमें से कोई सा भी है इसके साथ में चार बॉन्ड फॉर्म कर सकता है। लेकिन यहाँ पर याद रखने वाली बात यह है कि इट ओनली फॉर्म्स 3 बॉन्ड विद कार्बन, मतलब कि अगर कार्बन को कार्बन के साथ में बॉन्ड बनाना होगा तो बस 3 ही बॉन्ड बनेंगे, इससे ज्यादा एक और कार्बन यहां पे नहीं आ सकता, ये वाला स्टेबल नहीं होगा। तो आपको अपने दिमाग में रखना है, क्वेश्चन ये आ सकता है
और उसी के साथ में अगर आपको इस चैप्टर के एमसीक्यू क्वेश्चन देखने हैं ना, एमसीक्यू क्वेश्चन मैंने अपलोड करती हूँ, वो एक बार जाकर के जरूर से देख लेना क्योंकि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो क्वेश्चंस। देन फिर इसके बाद में आते हैं हमारे पास में कोवेलेंट बॉन्ड। अब ये कोवेलेंट बॉन्ड होता क्या है, देखो कोवेलेंट बॉन्ड बेसिकली ये होता है कि इसके अंदर ना दोनों जो एलिमेंट होते हैं, जैसे कि ए और बी दो एलिमेंट है, तो इन दोनों को क्या है कि इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, तो ये क्या करते हैं आपस में शेयरिंग कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन की, तो इनसे एक बॉन्ड फॉर्म होता है इन दोनों के बीच में, उसी को ही यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड कहा जाता है। बेसिकली आपको ये लिखना है कि बॉन्ड फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नॉन एज कोवेलेंट बॉन्ड। अब इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, इसकी प्रॉपर्टी ये होती है कि इसका लो मेल्टिंग पॉइंट होता है और लो ही इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है। फिर सेकंड पॉइंट आता है कि इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर, वो वाटर के अंदर इनसॉल्युबल रहता है। देन फिर इसके बाद में चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है यहाँ पर केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन, या फिर आप कह सकते हो कि जो रिएक्शन करता है कार्बन, वो सब यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो सबसे फर्स्ट जो रिएक्शन आती है वो आती है यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब देखो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की इसके नाम से आपको याद रखना है कि यार इसके अंदर ना हाइड्रोजन जो है ना, हाइड्रोजन बहुत ज़्यादा दुबला पतला है, तो इसके साथ में हमेशा अत्याचार होता है, कोई भी आएगा इस हाइड्रोजन को उठा करके फेंक देगा। तो इसी तरीके से सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है कि यहाँ पर क्लोरीन आती है और हाइड्रोजन को उठा करके फेंक देती है। आपको बस ये करना है, हाइड्रोजन को हटाकर यहां पर क्लोरीन लगा देना है, जैसे कि यहां पर CH4 है। अब CH4 में से क्या करना है, आपको एक हाइड्रोजन हटा देना है, तो क्या बचेगा, वो बचेगा CH3 और उसके साथ में क्लोरीन लगा दो, तो वो प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा, वो हो जाएगा यहां पर CH3Cl प्लस ऑफ यहां पर HCl इसके साथ में फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, ये बहुत ही बेसिक है कि हाइड्रोजन को हटा करके क्लोरीन लगाना है। देन फिर इसके बाद में जो इसकी सेकंड रिएक्शन आती है वो आती है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब ऑक्सीडेशन रिएक्शन के अंदर क्या होता है कि जो अल्कोहल होती है ना, उसको कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर ऑक्सीडाइज कर दिया जाता है, मतलब कि एक जो स्मॉलर ग्रुप है उसको लार्जर ग्रुप के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाएगा। अब ये किसके प्रेजेंस में होता है, ये होता है एल्कलीन KMnO4 और एसिडिक K2Cr2O7 की प्रेजेंस में हो सकता है, जिसके अंदर कि सबसे पहले आपके पास में इथेनॉल रहेगी, देन फिर इसके बाद में वो कन्वर्ट होकर के आपके पास में हो जाएगी इथेनोइक एसिड में। देन फिर इसके बाद में अगली जो रिएक्शन आती है वो आती है एडिशन रिएक्शन। अब देखो एडिशन रिएक्शन है ना, बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से याद रखने वाला है कि आपको है ना इसमें तोड़ना है, फिर उसके बाद में जोड़ देना है, तोड़ करके जोड़ देना है। तो भैया आपको क्या करना है कि इसका जो बॉन्ड है, जैसे कि इसके अंदर एक अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है जिसके अंदर की डबल बॉन्ड होता है, उसको तोड़ करके उसकी जगह पर हाइड्रोजन को ऐड कर देना है। जैसे कि यहाँ पे ये एल्कीन है, एल्कीन के पास में आपको ये डबल बॉन्ड दिख रहा होगा, जैसे कि कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, तो आपको करना है कि ये जो डबल बॉन्ड है इसको तोड़ देना है और फिर इसकी जगह पर यहां पर दो हाइड्रोजन लगा देना है, और इस तरीके से आपकी एडिशन रिएक्शन हो जाएगी और ये जो भी है इसके साथ में रहेंगे। लेकिन इसके अंदर जो कैटलिस्ट है वो है निकल और प्लैटिनियम है, जिससे कि ये कैटलिस्ट होते हैं जो कि इसकी रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। और यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखने वाला वो ये है कि वेजिटेबल ऑयल को वेजिटेबल घी के अंदर कन्वर्ट करा जाता है इस प्रोसेस के थ्रू। तो यहां पर याद रखना कि जो वेजिटेबल ऑयल होते हैं वो होते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, मैं लिख देता हूं यहां पर कि ये होते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और जो वेजिटेबल घी होता है वो होता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, ये आपको याद रखना है क्योंकि ये एमसीक्यू की फॉर्म में क्वेश्चन आ सकता है। देन फिर इसके बाद में चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है यहाँ पर हाइड्रोकार्बन में। देन फिर इसके बाद में जो अगला टॉपिक आता है वो आता है हाइड्रोकार्बन। अब देखो हाइड्रोकार्बन क्या होता है, बेसिकली एक ऐसा कंपाउंड जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ कार्बन हो और हाइड्रोजन हो, इन दोनों के अलावा और कोई भी एलिमेंट नहीं होना चाहिए, ना ऑक्सीजन होनी चाहिए ना नाइट्रोजन होनी चाहिए, तो उनको ही यहाँ पे हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। अब ये हाइड्रोकार्बन दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं सैचुरेटेड और एक होते हैं अनसैचुरेटेड। देखो अब सैचुरेटेड से आप याद रख तो S से स्टार्ट हो रहा है, मतलब कि इसके अंदर क्या होंगे, सिंगल बॉन्ड होंगे, तो S का S से स्टार्ट हो रहा है, तो इसके अंदर सिंगल बॉन्ड होंगे कार्बन कार्बन के बीच में। और इसका एक एग्जांपल है वो है एल्केन। एल्केन का जो यहां पर जर्नल फॉर्मूला है ये याद रखो, ये मैं मार्क कर रहा हूं CnH2n+2, ये यहां पर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर कोई भी एल्केन होगा वो इस फॉर्मूला को फॉलो करेगा, जैसे कि अगर आप n की वैल्यू यहां पर 1 रख दोगे, जैसे कि आपने यहां पर रख दिया C1 और फिर उसके बाद में H यहां पर 2 × 1+2 क्या, तो आपके पास में यहां पर क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा CH4। तो ये क्या है, ये है एल्केन, जो इस फॉर्मूला को फॉलो करेगा वो होगा एल्केन। फिर इसी तरीके से अगर आप इसकी वैल्यू रख दोगे 2, तो आपके पास में बन जाएगा C2H6, जिसको कि यहां पर कहा जाता है इथेन। देन फिर इसके बाद में आता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में क्या होते हैं कि डबल और ट्रिपल बॉन्ड होते हैं कार्बन कार्बन के बीच में। अब ये कैसे होते हैं वो हम देखते हैं।
अब इसके अंदर अगर मान लो कि डबल बॉन्ड होता है तो वहां पे जो कंपाउंड होता है उसका नाम होता है एल्कीन। एल्कीन कहा जाता है उनको जिनकी बीच में कि डबल बॉन्ड होता है, जैसे कि कार्बन और कार्बन है तो इनके बीच में जो डबल बॉन्ड है इसको कहा जाएगा एल्कीन। देन फिर इसके बाद में इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है CnH2n। ये देखो ये जो है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं इनको मार्क भी करते हुए चल रहा हूं। देन फिर इसके बाद में अगर आप इसके अंदर n की वैल्यू 1 रखोगे तो ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि C1H2 हो जाएगा, तो C1H2 तो पॉसिबल ही नहीं क्योंकि कार्बन को कम से कम चार बॉन्ड बनाने होते हैं, इसीलिए यहां पर N की वैल्यू 1 नहीं होती है। देन फिर इसके बाद में जो अगला कंपाउंड आता है हमारे पास, मतलब कि अगला जो आता है वो आता है ट्रिपल बॉन्ड। कि अगर मान लो कि कार्बन कार्बन के बीच में तीन बॉन्ड हो गए तो क्या होगा, तो यहां पर ये कंपाउंड होते हैं वो होते हैं एल्काइन। इनका फॉर्मूला होता है CnH2n-2। याद रखो CnH2n-2 क्योंकि इनके अंदर तीन बॉन्ड रहते हैं, सी ट्रिपल बॉन्ड सी, तो इनके पास में इतनी जगह नहीं होती, तो यहां पर बेसिकली क्या होता है कि हाइड्रोजन आ जाता है। तो सबसे फर्स्ट जो इसका कंपाउंड है वो है इथाइन। इसके लिए भी n=1 वैलिड नहीं है क्योंकि यहां पर इसमें तो बस C1H2-2 मतलब जीरो हो जाएगा, C1H0 तो पॉसिबल ही नहीं है। देन फिर इसके बाद में जो हमारे पास में अगला आता है टॉपिक वो है होमोलोगस सीरीज। अब देखो यार होमोलोगस सीरीज जो है ये क्या होता है, बेसिकली एक सीरीज होती है, जैसे कि एपी होती है ना 1 2 3 4 ऐसे ऐसे ये भी एक सीरीज होती है ऑर्गेनिक कंपाउंड की, जैसे कि एल्केन है। एल्केन के अंदर आप क्या करोगे, फॉर एग्जाम्पल के लिए हम एल्किन का ही ले लेते हैं, एल्किन पीछे वाले पेज पर, तो हम क्या करेंगे n=2 पुट करो, n=3 पुट करो, n=4 पुट करो, तो ये क्या है कि कंटिन्यू में ये सीरीज चलती जा रही है, तो यही सीरीज होती है, इसी को कहा जाता है यहाँ पर होमोलोगस सीरीज। तो बेसिकली इसके अंदर क्या डिफरेंस होता है, बस उनके बीच में जो सक्सीडिंग है मतलब कि नेक्स्ट आने वाली जो सीरीज है उसमें बस एक CH2 का डिफरेंस होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर अगर एल्किन की मैं सीरीज की बात करूँ तो सबसे फर्स्ट n=1 पर आता है मीथेन, उसके अंदर अगर आप 1 CH2 ऐड करोगे तो आपके पास में आएगा इथेन, फिर उसके अंदर 1 CH2 ऐड करोगे तो आपके पास में आ जाएगा प्रोपेन। तो ये जो पूरी सीरीज है इसको कहा जाता है कि एल्केन की होमोलोगस सीरीज है। फिर इसी तरीके से हमारे पास में एल्किन की रहती है, यहाँ पर इथीन होता है, फिर प्रोपीन होता है, फिर ब्यूटीन होता है, सभी के अंदर CH2 का डिफरेंस है। ठीक है, ये बात आपको याद रहनी चाहिए। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा जल्दी से बताओ, यस और नो के अंदर अभी के अभी आंसर करो कि भैया मजा आ रहा है एकदम से, आपने ना मतलब पूरा पूरा चैप्टर करवा दिया यार, यस और नो के अंदर अभी बताओ, हाँ भैया यस अच्छा लगा यस करो, और अच्छा लग ही रहा है तो यार लाइक करो ताकि मेरे को भी अच्छा लगे, और सब्सक्राइब कर लेना ताकि और ऐसी वीडियोज आप लोगों के लिए आती रहें, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना यार, उसका भी थोड़ा बहुत भला हो जाए। तो अब हम बात करते हैं IUPAC मतलब कि नामकरण की बात करी जा रही है कि ये जो हम इथेन मीथेन ये कर रहे हैं ये कैसे कर रहे हैं। तो इसके अंदर ये जो IUPAC नेमिंग होती है ये बेसिकली तीन चीजों से बनकर के बनी होती है, एक होता है प्रीफिक्स और एक होता है यहां पर वर्ड रूट और एक होता है यहां पर सफिक्स। ठीक है, अब आप लोग है ना अपना नाम बताओ कमेंट सेक्शन में पूरा प्रॉपर वे के अंदर। जैसे कि अगर मैं मेरा नाम बताता हूं, मेरा नाम है यहां पर मिस्टर आयुष। ठीक है, मिस्टर आयुष और फिर उसके बाद में पुनिया। ठीक है, ये है मेरा पूरा नाम। ठीक है, अब इसी तरीके से ध्यान से सुनना, आप लोग भी अपना नाम बताओ कि आपका नाम क्या है। अब देखो इसके अंदर क्या है, सबसे फर्स्ट है मिस्टर, मतलब कि ये क्या है, ये है मेरा प्रीफिक्स। तो इसी तरीके से इसमें भी बिफोर नेम मतलब नाम से पहले क्या लगाया जाता है, जैसे कि अगर उसके अंदर कार्बन है तो उसके लिए CL लगा दिया जाएगा, जैसे कि अगर यहीं पर ही कोई अगर वुमेन होती तो उसके लिए हम लगा देते मिसेज या फिर मिस लगा देते। तो ये क्या होता है, ये होता है सरनेम, ये डिपेंड करता है कि उसके अंदर कौन सा प्रेजेंट है। तो अगर क्लोरीन प्रेजेंट है तो उसके लिए क्लोरो आ जाएगा, ब्रोमीन प्रेजेंट है तो उसके लिए ब्रोमो आ जाएगा, अगर कोई साइक्लिक कंपाउंड है तो उसके लिए साइक्लो आ जाएगा, और अगर कोई भी मान लो कि एमिनो प्रेजेंट है तो वहां पर एमिनो उसके लिए आ जाएगा। ठीक है, ये होता है सबसे फर्स्ट प्रीफिक्स। देन फिर इसके बाद में आता है वर्ड रूट, मतलब कि उसका नाम क्या है। ठीक है, तो यहां पर जैसे कि मेरा नाम है आयुष, उसी तरीके से ये जो कार्बन होते हैं इनके अंदर डिपेंड करता है कि इनके पास में कितने कार्बन एटम है। जैसे कि अगर एक कार्बन एटम है उसके पास में तो उसका नाम हो जाएगा मिथ, अगर दो कार्बन है तो उसका नाम हो जाएगा इथ, अगर उसके पास में तीन कार्बन है तो उसके पास में हो जाएगा प्रॉप, चार कार्बन वाला हो जाएगा ब्यूट, पांच कार्बन वाला हो जाएगा पेंट, और छह कार्बन वाला हो जाएगा हेक्स, और जो सात कार्बन है वो हो जाएगा हेप्ट। तो आपको तो बस छह तक ही याद रखो। देन
देन फिर इसके बाद में क्या करना है, लास्ट में, जैसे कि पूनिया, पूनिया क्या है, ये है मेरा सरनेम, तो इसी तरीके से सरनेम से आप याद रखो सफिक्स। अब सफिक्स अलग अलग होता है, जैसे कि अगर हाइड्रोकार्बन है और उसमें अगर एल्किन है तो उसके लिए सफिक्स लगाया जाता है ए एन ई, और अगर एल्कीन है तो उसके लिए सफिक्स लगाया जाता है ई एन ई, और अगर एल्काइन है तो उसके लिए लगाया जाता है वाई एन ई, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब इसके बाद में हम इसके कुछ एग्जाम्पल से देखते हैं जिससे कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आएगा, जैसे कि फंक्शनल ग्रुप के सफिक्स से मैं आपको परफेक्ट तरीके से इसको समझाता हूं कि कैसे आपको नामकरण करना है, ठीक है। अब इसके बाद में सबसे फर्स्ट जो आती है हमारे पास में वो आती है एल्कोहल, मतलब दारू, दारू यहां पर आती है। तो दारू के अंदर बेसिकली क्या होता है कि अगर उसके पास में प्रेजेंट है OH, अगर उसके पास में OH आपको किसी के भी पास में दिख जाए तो मतलब क्या है, वो है यहां पर एल्कोहल, ठीक है। अब इसके बाद में जो इसके हमें कंपाउंड लेते हैं जो कि हमने लिखा हुआ है CH3CH2OH, ठीक है। अब इसके बाद में सबसे पहले आप आइडेंटिफाई करो कि ये CH3CH2 है, ये क्या है, एल्केन है या फिर ये क्या है। तो बेसिकली इसके अंदर सिंगल बॉन्ड है तो इसीलिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एल्केन, और इसके पास में दो कार्बन है, गिनो यहां पर एक और दो कार्बन है, तो इसीलिए इसके साथ में आ जाएगा इथ, और एल्केन के लिए हम लगा देंगे ए एन ई, ठीक है। और यहां पर ये जो फंक्शनल ग्रुप है ये है यहां पर क्या है, ये है इसका सफिक्स, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर और तो कोई प्रेजेंट नहीं था तो एल्कोहल के लिए हमने लगा देते हैं, वो लगा देते हैं ओएल, तो इसका जो नाम हो जाएगा वो हो जाएगा इथेन प्लस ओएल, लेकिन इसमें से ई को एलिमिनेट करके इसका नाम हो जाएगा इथेन ओएल, ठीक है, ये आपको इस तरीके से याद रखना है। अगर समझ भी नहीं आया तो अगले वाला देखो, अब देखो अगले वाले के अंदर क्या है कि ये आपने कंपाउंड देखा CH3CH CHOH, ठीक है, अब आपको यहां पर समझ में आ गया कि यार OH है तो मतलब ये क्या है, ये है एल्कोहल, लेकिन इसके पहले अगर आप देख रहे हो तो यहां पर क्या है, इसके अंदर डबल बॉन्ड है, तो मतलब एक डबल बॉन्ड है, तो ये क्या है, ये है एक एल्कीन है, ठीक है, यह है एक एल्किन, ठीक है। अब एल्किन हो गया तो एल्किन आपको ये पता लग गया, और इसके अंदर कितने कार्बन है, तीन कार्बन है, तो तीन कार्बन के लिए हम लगाएंगे प्रोप प्लस एल्किन है तो उसके लिए लगा देंगे ई एन ई, तो हमारा जो नाम बनेगा वो बनेगा प्रोप इन प्लस ओएल, क्योंकि एल्कोहल हमें लास्ट में ऐड करना है, तो हमारा जो नाम बनेगा वो बनेगा प्रोपिनॉल, प्रोपिनॉल, ठीक है, ये प्रोपिनॉल बन जाएगा इसका नाम। देन फिर इसी तरीके से हमारे पास में एक होता है कीटोन, कीटोन के अंदर आपको जो सफिक्स लगाना है वो लगाना है वन, ठीक है, ओ एन ई इसके अंदर सफिक्स लगता है, और ये होता है सी डबल बॉन्ड सी, और यहां पर कोई भी फंक्शनल ग्रुप रह सकते हैं, जैसे कि इसका जो फर्स्ट मेंबर आता है कीटोन सीरीज का जो फर्स्ट मेंबर आता है वो आता है हमारे पास में सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड सी एच थ्री, ठीक है। अब इसके बाद में यहां पर आप जब देखोगे इसके अंदर कितने कार्बन है, तीन कार्बन है, और ये सारे सारे एल्केन है, तो यहां पर आ जाएगा प्रोपेन, और लास्ट के अंदर अगर आप लगा दोगे ऑन तो जो कि कीटोन के लिए है क्योंकि फंक्शनल ग्रुप है, तो आपके पास में नाम आ जाएगा वो आ जाएगा प्रोपेन ऑन, ठीक है। अब इसके बाद में एक और जो ग्रुप होता है वो होता है एल्डिहाइड का, जो कि होता है CHO, ठीक है, CHO होता है, अगर CHO प्रेजेंट है तो वहां पर एल्डिहाइड होता है, इसके लिए सफिक्स लगाया जाता है AL, और फिर इसके बाद में आते हैं यहां पर कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए यहां पर लगाया जाता है ओइक एसिड, ठीक है, क्या लगाया जाता है, वो लगाया जाता है ओइक एसिड, और इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करा जाता है सी डबल बॉन्ड OH, ठीक है, सी डबल बॉन्ड OH अगर आपको दिख जाए तो मतलब क्या है, वो है कार्बोनिक एसिड। अब जैसे कि अगर आपको नाम दे दिया जाए, कहा जाए कि ब्यूटेनोइक का स्ट्रक्चर ड्रॉ करो, तो बेसिकली आप सबसे पहले देखो ब्यूट, ब्यूट का मतलब क्या हो गया, उसके अंदर चार कार्बन प्रेजेंट है, एन का मतलब क्या हो गया, वो पूरा पूरा एक एल्केन फैमिली से बिलोंग कर रहा है, और ओइक एसिड का मतलब क्या हो गया कि वो है यहां पर एक एसिड है, तो मतलब आपको सब बातें पता लगी। तो आपने ड्रॉ किया CH3CH2CH2 और फिर लास्ट के अंदर COH लगा दिया, तो ये बन गया हमारे पास में ब्यूटेनोइक एसिड। इस तरीके से आपको इनका नॉमेनक्लेचर करना होता है। अब इसके बाद में आते हैं एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, मतलब बेसिकली क्या है कि हैं तो सभी के सभी कार्बन के, लेकिन क्या है कि इन सभी का अलग अलग डिफरेंट स्ट्रक्चर है, अलग अलग सब कुछ होता है, जैसे कि आप सभी की क्लास के अंदर आप सभी लोग ह्यूमन बींग्स ही तो ना, हो तो इंसान ही, लेकिन किसी की अलग अलग कैपेबिलिटी होती है, जैसे कि कोई बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है, कोई थोड़ा कम इंटेलिजेंट होता है, और कुछ को याद नहीं होता, ये सभी की अलग अलग प्रॉपर्टीज़ हैं, तो इसी तरीके से कार्बन के भी अलग अलग एलोट्रॉप्स हैं, तो बेसिकली आपको याद रखना ये होते हैं बहुरूपीय कार्बन। तो सबसे फर्स्ट यहां पर आता है वो आता है डायमंड, और एक होता है ग्रेफाइट, इन दोनों के बीच में मेनली डिफरेंस पूछा जाएगा। तो सबसे फर्स्ट तो आप याद रखो कि यहां पर जो डायमंड होता है, इसके अंदर ईच कार्बन इज बॉन्डेड विद द अदर फोर कार्बन एटम एंड फॉर्म द 3D स्ट्रक्चर, और उसका एक 3D स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, और उसी के साथ में ईच कार्बन एटम जो ग्रेफाइट के केस के अंदर होता है, यहां पे ईच कार्बन एटम इज बॉन्डेड टू 3 कार्बन एटम एंड फॉर्म द हेक्सागोनल एरे, तो यहां पर एक हेक्सागोनल एरे
बनता है और यहाँ पर एक 3D स्ट्रक्चर बनता है। देन फिर इसके बाद में जो डायमंड है वो हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑन अर्थ है, और यहाँ पर जो ग्रेफाइट है वो स्मूथेस्ट, और यहाँ पर ये स्लिपरी होता है, मतलब अपोजिट नेचर के हैं दोनों। और एक होता है बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और एक होता है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मेरे को तो एक बात समझ में नहीं आ रही, जब इन्होंने एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करा होगा एक डायमंड के ऊपर जिसकी की वैल्यू मान लो कि 2 करोड़ के आसपास होगी, तो कौन उससे अपना इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करना चाहेगा? मेरे को तो बस ऐसे अमीर लोगों से मिलना है कि जिनके ना घर पे वायर्स की जगह पर वो डायमंड के वायर्स बिछाना चाहते हैं। तो बेसिकली आपको ये याद रखना है कि कौन सा होता है कौन सा नहीं होता। देन फिर इसके बाद में आते हैं यहाँ पर फुलरीन। अब देखो फुलरीन क्या होता है, ये होता है एक C60, ये भी कार्बन का एलोट्रॉप होता है। इसके अंदर बेसिकली ये होता है कि कार्बन जो होता है वो अरेंज इन द फॉर्म ऑफ फुटबॉल, फुटबॉल की शेप आपने देखी होगी कैसे गोल सी आकार होती है, तो उसी तरीके से इस फुलरीन का भी उसी तरीके का शेप होता है, तो इसीलिए इसको फुलरीन कहा जाता है। जिन्होंने इसको डिजाइन करा था उनका नाम था बल्क मिस्टर फुलरीन, तो इसीलिए इस उनके नाम पर इसको रख दिया गया। फिर इसके बाद में जो अगली रिएक्शन आती है या फिर अगला टॉपिक है वो है हमारे पास में एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन। अब देखो एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन क्या होती है कि इसके अंदर बेसिकली आप एसिड को और जो हमारा एल्कोहल है उसको मिक्स कर दे तो आपको एक नया कंपाउंड मिलता है। तो इसकी डेफिनेशन आप जरूर से याद रखना कि व्हेन एन ऑर्गेनिक एसिड रिएक्ट विद द एल्कोहल इन द प्रेजेंस ऑफ अ एसिड कैटेलिस्ट इट प्रोड्यूसेस द फ्रूटी स्मेल कॉल्ड द एस्टर। और यहाँ पर एक फ्रूटी स्मेल सा एक आपने देखा होगा कि जो फ्रूट की स्मेल होती है उसके जैसा अगर कोई कंपाउंड बन रहा है तो वो वहां पर होता है एस्टर, और इस रिएक्शन को कहा जाता है एस्टरिफिकेशन। और यहाँ पर ये हो गया CH3COH C2H5OH, ये क्या है, ये है एसिड, और ये क्या है इसका नाम बताओ यार कमेंट सेक्शन में। अभी अभी हम करके आए थे, ये गलती नहीं होनी चाहिए। अब देखो अब तुम इतना आगे आ गए और फिर बोल रहे हो कि भैया ये क्या है, ये गलत बात है। और फिर इसके बाद में H2SO4 है और कैटलिस्ट की प्रेजेंस में आपको मिलेगा CH3COOC2H5, और उसी के साथ में वाटर फॉर्म हो जाएगा, और इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का रहेगा। CH3C मैं एक बार अच्छे से बता देता हूँ, C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, फिर ऑक्सीजन, फिर उसके बाद में C2H5, ये होता है एस्टर। देन फिर इसके बाद में आप आते हैं वो आता है आइसोमरिज्म। अब देखो आइसोमरिज्म क्या होता है, आइसोमरिज्म के अंदर बेसिकली सेम मॉलिकुलर फॉर्मूला होता है बट उनका जो स्ट्रक्चर है वो अलग अलग डिफरेंट होता है, मतलब कि कोई कैसा होता है कोई कैसा होता है और उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी अलग होती है। तो आप बेसिकली ये याद रख सकते हो कि आइसोमरिज्म का मतलब ये होता है कि जुड़वा भाई, ठीक है, जुड़वा भाई का मतलब ये है कि उनका सब कुछ सेम है, वो दिखने में भी सेम है लेकिन उनकी अलग अलग स्ट्रक्चर, जैसे कि एक तो मान लो बहुत बड़ा बॉडी बिल्डर है और एक बहुत ज्यादा दुबला पतला सा है, तो बेसिकली यही होता है। तो हम देखते हैं कि क्या क्या होते हैं आइसोमर्स। तो सबसे फर्स्ट हम बात करते हैं ब्यूटेन के, जो कि यहाँ पर C4H10, और इसका अगर हम बेसिक स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे जो कि एन ब्यूटेन का, वो हो जाएगा CH3CH2CH2CH3, ये इस तरीके का नॉर्मल सा स्ट्रक्चर है। लेकिन एक होता है इसका आइसोब्यूटेन, मतलब कि आप इस CH3 को उठा करके इनके बीच में लगा दो तो वही किया गया, तो यहाँ पर ही हो गया आइसोब्यूटेन, है तो ब्यूटेन ही ना लेकिन बस इसके अंदर थोड़ा सा इसका स्ट्रक्चर अलग हो गया। अब इसी तरीके से जो हमारा पेंटेन होता है, इसके 3 स्ट्रक्चर होते हैं, एक होता है एन पेंटेन जिसके अंदर की सभी को एक लाइन से लगा दो, फिर उसके बाद में क्या करो इन 2 को उठा करके इसके बीच में लगा दो, तो यही किया गया CH3CH CH3C2CH3। फिर इसके बाद में ये किया गया CH3 को यहाँ पर लगाया गया और एक CH3 को रख दिया और फिर बाकी को इधर लगा दिया, तो ये इस तरीके से है। तो ये सारे के सारे पेंटेन लेकिन इनका स्ट्रक्चर अलग होता है, तो जिनका स्ट्रक्चर अलग उनको कहा जाता है यहाँ पर आइसोमर्स। देन फिर इसके बाद में हमारे पास में जो अगली रिएक्शन आती है वो आती है सपोनिफिकेशन रिएक्शन। अब देखो यार सपोनिफिकेशन रिएक्शन क्या होता है, इसके अंदर बेसिकली क्या होता है कि व्हेन एस्टर रिएक्ट विद द इनऑर्गेनिक बेस, इनऑर्गेनिक बेस के साथ में जब वो रिएक्शन करता है तो वहां पर जो एल्कोहल और सोप प्रोड्यूस होती है, मतलब एस्टर के साथ में आप कोई भी बेस मिला दो तो आपको मिलेगी थोड़ी सी एल्कोहल और उसके साथ में सोप फॉर्मेशन होगा, तो ये जो रिएक्शन होती है इसको कहा जाता है सपोनिफिकेशन रिएक्शन। और सोप से रिलेटेड कुछ बातें याद रखो, बेसिकली सोप होता क्या है, सोप होता है सोडियम और पोटेशियम जो सॉल्ट होते हैं ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ अ कार्बोक्सिलिक एसिड, मतलब सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट अगर होते हैं तो वो होता है यहां पे सोप। और बेसिकली इसके अंदर 2 पार्ट होते हैं, एक होता है हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफिलिक का मतलब होता है कि वाटर लविंग पार्ट होता है, इसको पानी अच्छा लगता है, ये होता है आयनिक पार्ट, जैसे कि सोडियम हो गया, ये क्या है, ये है इसका आयनिक पार्ट, और ये जो कंपाउंड है ये होता है यहां पर इसके लिए कार्बोनिक, मतलब हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट होता है, ये इस तरीके से होता है। देखो इस तरीके से इसकी बहुत बड़ी ऐसे ऐसे चेन होती है और लास्ट के अंदर एक ऐसे डॉट सा बना हुआ दिखेगा आपको एनसीईआरटी में, ठीक है।
तो ये होता है Na प्लस या फिर जो भी कार्बन होता है, और ये जो पूरा पूरा होता है ये होता है हाइड्रोकार्बन, जैसे कि C17H33 ये होते हैं हाइड्रोकार्बन। तो बेसिकली ये जो हाइड्रोकार्बन होते हैं ये होते हैं डर्ट के साथ में अटैच, और ये जो सोडियम वगैरह हैं ये हो जाते हैं पानी के अंदर मिल करके रह जाते हैं। और एक आता है हाइड्रोफोबिक, जो कि पानी से जिसको डर लगता है, ये होता है लॉन्ग हाइड्रोकार्बन होते हैं। और जो हाइड्रोफोबिक पार्ट होता है और उससे अगर डर्ट मिल जाती है तो यहाँ पर मिसेल्स का फॉर्मेशन हो जाता है। तो आपको बोलना है कि भैया अगर डर्ट जो है वो हाइड्रोफोबिक पार्ट के साथ में मिल जाती है तो मिशेल्स फॉर्म होती है। इसी तरीके से हमारी भी एक सुंदर सी कम्युनिटी फॉर्म होगी, जब आप सब्सक्राइब करोगे तो सब्सक्राइब करो जल्दी से और शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ में, लाइक करना। और इस वीडियो का जो है